Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam focus review session November 2022. Today we are conducting the session on MS2 Management Professional Competence. The timing of this session would be from 11 a.m. to 2 p.m. with necessary breaks which will be announced if needed. These sessions are available at ICAP houses Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Gujranwala, Islamabad and Peshawar. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page, which is icap.ca/students. The students on Facebook page can ask their question in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Shahzeb Sawal with us for this session. Shahzeb is an experienced management consultant advising clients on complex institutional transformations and performance improvement programs. He is Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of Pakistan. In addition to this, he is a fellow member of Institute of Chartered Certified Accountants and Certified Six Sigma Black Belt. He is also a Certified Director from ICAP. He has more than 12 years of rich and diversified consultancy experience with two Big Four firms. He is also an independent director, board of member of Section 42, not-for-profit MFI focusing on women's economic prosperity and self-reliance through financial inclusion and capacity building. He is also a visiting faculty member at one of the most renowned RET in Pakistan and teaches strategy or business management subjects. Shahzeb is also ICAP National Finance Olympiad 2019 champion. Please welcome Mr. Shahzeb Sawal. Thank you everyone. अच्छा जी, हमारा सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक अगर रिक्वायर्ड हो तो करेंगे, अदरवाइज़ वी विल कंटिन्यू द सेशन. और सेशन को जो ब्रेक करने का प्लान है, एक ये है कि विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन जो कि होलिस्टिकली कवर करेगा हमारे एग्ज़ाम के कंटेंट को, अप्रोच को, स्कोप को. एंड देन हम एक स्मॉल ब्रेक कर लेंगे 5 मिनट की, नॉट अ लार्ज ब्रेक. उसके बाद फिर हम एक कोई पास पेपर एक अटैम्प्ट कर लेंगे. और दैट इज़ हाउ वी इंटेंड टू टेक इट फर्दर. एंड जस्ट फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन मीन वाइल. और जो ऑनलाइन हैं, जो फिज़िकल हैं, और जैसे ही मैं अपना एक फॉर एग्जाम्पल कुछ स्लाइड कंक्लूड करता हूँ या मैं कोई एजेंडा कंक्लूड करता हूँ, तो आई टेक दोज क्वेश्चंस. ठीक है. सो आज का जो एजेंडा हम कवर करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन के है क्या MS2, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर का, what are the learning outcomes which examiner expects कि हमें जब हम MS2 के लिए पेयर हो रहे हैं तो ये outcomes जो टेस्ट हो रहे होंगे हमारे. चूँकि केस स्टडी बेस्ड पेपर है तो कौन कौन से बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि किस किस्म के सिनेरियोस जो आएंगे वो उसके कॉन्टेक्स्ट क्या होंगे. सिलेबस का एक ओवरव्यू है, पेपर स्ट्रक्चर है, what are the key for passing MS2, एग्ज़ाम की टेक्निक्स पर हम कुछ बात करेंगे, की फोकस एरियाज पर बात करेंगे, कुछ फाइनल प्रिपरेशंस यहाँ से लेकर जो पेपर तक है उस पर बात करेंगे. एक अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि अगर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो क्या ये डिस्कशन हमसे रेलिवेंट है या नहीं है. सो उसका आंसर है कि रेलिवेंट है, बिकॉज इट इज़ अ स्किल बेस्ड पेपर. देर माइट बी चांस कि आपने क्लासेस पढ़ी हो बट वो स्किल डेवलप ना हो और आपको मजीद टाइम चाहिए हो पेपर पास करने के लिए. एंड देर कुड भी चांस कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा बट वो स्किल ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको एक उसको कार्व आउट करना है, उसको एक शेप देना है, और एक अप्रोच अगर आपको समझ आ जाती है आज, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. एंड वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स इन द पास्ट जिन्होंने आज से आगे पढ़ना शुरू किया MS2
और उन्होंने पेपर पास कर लिया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार कि ये बिकॉज जो कंटेंट है नॉलेज का वो तो ऑलरेडी वो जो आप पास कर चुके हैं, उसके ऊपर एक स्किल बिल्ड करना है। अब कुछ सम हो स्कूलिंग से और मे बी आप इस किस्म के प्रोफेशन में हैं जहाँ पे कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं पहले ही, तो कई लोगों की ऑलरेडी वो स्किल पहले से डेवलप हुई होती है, तो उसको सिर्फ एक जब हम एक अप्रोच से गुजारते हैं तो उनको बहुत कम टाइम लगता है वो स्किल को डेवलप करने में, बिकॉज स्किल इज ऑलरेडी देयर, दे नीड टू बी जस्ट कार्व आउट। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, और ये भी देखने में आया कुछ लोग ऐसे भी उन्होंने पूरी क्लासेज अटेंड की, केस स्टडी अटेम्प्ट भी की, लेकिन वो आखिरी केस स्टडी तक भी उनके वो पासिंग मार्क्स उस क्योर नहीं कर पा रहे होते हैं, एंड दे नीड मोर टाइम ऑन इन्वेस्टमेंट। सो हमें तो खैर पॉजिटिविटी ही चाहिए होती है कि आपके स्टूडेंट्स को, और मेरे ख्याल से कि इसमें वी हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल्स, और जितना पासिंग रेट हमारा पूरा आई कैप का है, क्या चीज़ मैं चेंज कर भी नहीं रहा अभी। All good. So one need to be hopeful regarding this. और हम थोड़ी अप्रोच पर बात करेंगे, एंड आई टू ट्रैक कवर बोथ स्टूडेंट्स, एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सारी क्लासेस पढ़ी होंगी वो भी आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स वो भी है जिनको अचानक ये ख्याल आया कि हमें पेपर दे ही देना चाहिए। सो दैट इज आई ऑल्सो इंटेंड टू कवर दैट। आपका नाम क्या आपका? तो आपको भी जिसमें तो उसकी रीज़न क्या थी? तो अभी पिछले पेपर अभी पास किए, काफ़ी टाइम हो गया पास किए, बी एफ डी बी एम। कहाँ पे? ओके और आर्टिकल्स कहाँ से? इस्लामाबाद। किस पार्टनर साहब? काकड़ साहब। चले ठीक है ठीक है। तो आई वही वाली बात है कि मैंने जैसा मैंने कहा कि वो उस जॉब वाली कैटेगरी है उसको भी कोशिश करता हूँ साथ साथ चीज़ें कवर हो रही हूँ। इंट्रोडक्शन में आते हैं, तो कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो बट मेरे लिए मैंने इसको शॉर्ट एंड कंसाइज ही रखा है प्रेजेंटेशन को, बट इसमें कि जिस जो पहली दफ़ा भी पेपर देने के लिए आ रहा था वो उसके लिए भी इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो 3.5 आवर का पेपर है, पास मार्क्स हमारे पास 50% है, 3 क्वेश्चंस हैं, ओपन बुक है, प्राइमरीली जो कम्बिनेशन है बी एम और बी एफ डी के पेपर का जो प्री रिक्विजिट भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट यस इसमें इसके अलावा आपका टैक्स का पोर्शन है थोड़ी सी, उस पर भी आज बात करेंगे, और आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स उसका भी पोर्शन है, एंड उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दोनों को सम अप कर ले तो 15 नंबर का सवाल उन दो एरिया से आ रहा होता है, 15 मार्क्स किसी को पास या फेल करने के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, हमें एक गुड थिंग इज़ कि चूँकि पेपर तो ये इंस्पायर्ड हैं ICW से,
और ICW में रिक्वायरमेंट्स का ब्रेक डाउन नहीं होता, उसमें एक पूरे रिक्वायरमेंट्स आते हैं और एंड पे नंबर आते हैं यार, इस पूरी केस स्टडी की 50 नंबर है। बट गुड थिंग इज इन MSA कि हमें हर रिक्वायरमेंट के नंबर मिल जाते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है, एडवांटेज लिखें, डिसएडवांटेज लिखें और रिकमेंडेशन दें, तो इसके लिए फिर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा कि यार 10 को कैसे तोड़ना है। बट आपको रिक्वायरमेंट ABCD वाइज मार्क्स अवेलेबल होते हैं जो कि ICW में नहीं होते, SSC में भी होते हैं। येस, यू कैन राइट ऑन द एग्ज़ाम पेपर्स। और अगर ये कहा जाए कि यार ये पूरा पेपर कोई इन दो लफ्ज़ों में बयान कर देगा यार कि व्हाट इज़ MSA ऑल अबाउट, तो दो अल्फाज जो हैं वो ये हैं कि नंबर वन, दिस इज़ अ पेपर ऑफ प्रोफेशनल एनालिसिस, एंड सेकेंड थिंग इज़ रीजन्ड कंक्लूजन। क्योंकि आपके डिफरेंट स्टडीज़ में इंटेलेक्चुअल लेवल्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल 1, इंटेलेक्चुअल लेवल 2, इंटेलेक्चुअल लेवल 3। अगर आप ICAP में भी जाएं तो अगर आप जब कोर्स देखते तो आगे 1, 2, 3 लिखा रहा होता है, वो ये इंटेलेक्चुअल लेवल्स ही होते हैं। और लेवल 1 इज़ रिप्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज, जिस तरह आपसे कहा जाता है कि यार के थ्रू क्रैम यू कैन प्रोड्यूस, कि यार आप लेवल 1 हैं, जिस तरह पुराने ज़माने में उस पर नोट लिखें, ऐसे लिखें। इंटेलेक्चुअल लेवल 2 की एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आप नॉलेज को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछ लें यार कि डायरेक्टर मीटिंग्स का नोटिस आपके 7 डेज, तो उस सेक्शन का आपने रिप्रोड्यूस कर दिया लेवल 1। लेवल 2 के लिए क्या करेगा, आपको डेट्स दे देगा, बोलेगा यार कि इस दिन नोटिस निकला, इस दिन मीटिंग थी, तो आप बताइए नोटिस वैलिड है या सही है या नहीं है। तो आप फिर वो नॉलेज को अप्लाई करेंगे कि यार के नॉलेज क्या है, 7 डेज एटलीस्ट मिनिमम, इस दिन थी, वापस आएँ तो इस दिन निकलना चाहिए था, फिर एक्सेप्शंस हैं वो अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, फिर आप उस पर आप फैसला करेंगे नॉलेज को अप्लाई करके। सो दिस इज़ इंटेलेक्चुअल लेवल 2 जो कि आपका CFAP तक टेस्ट हो गया। ये जो MSA का पेपर है, दोनों पेपर जो हैं, इट इज़ इंटेलेक्चुअल लेवल 3। कुछ टॉपिक्स 2 लेवल पे भी टच होते हैं, कुछ 3 पे भी टच होते हैं। 3 इज़ मोर अबाउट व्हेन यू गिव रीजनिंग एंड लॉजिकल आर्गूमेंट्स एंड जस्टिफाई योर आर्गूमेंट्स। आपने सिर्फ ये बताया कि सही है कि आप नॉलेज को अप्लाई करने के, आपने उस रीज़न को जस्टिफाई भी करना है। सो व्हेन यू जस्टिफाई समथिंग, तो आपका इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रेटजी है, आपने एक्सपेंशन में जाना है या नहीं जाना, दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट कंक्लूड करता है कि जाना है और एक कंक्लूड करता है कि नहीं जाना। इट्स नॉट अबाउट कंक्लूजन राइट एंड रॉन्ग, जहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, रीजन्ड कंक्लूजन। जिस बंदे का कंक्लूजन रीजन्ड होगा, इट इज़ एट द सेम टाइम दोनों स्टूडेंट्स का आंसर भी ठीक हो सकता है, बिकॉज दैट इज इंटेलेक्चुअल लेवल 3। मैं अपने आर्गूमेंट को अगर जस्टिफाई मैंने कर दिया है कि यार कि क्यों नहीं जाना, केस स्टडी यूज़ करते हुए और उन आर्गूमेंट्स को बिल्ड करते हुए, दैट इज़ फाइन। एक बंदा कहता है जाना है चूँकि ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को सामने रखते हुए और इन चीज़ों को मैनेज करते हुए हम जा सकते हैं। दूसरा कहता है नहीं, देखिए इतना बड़ा रिस्क ये है, ठीक है वो पॉजिटिव चीज़ें हैं बट ये नेगेटिव ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि हमें नहीं जाना चाहिए। और आपको पेपर भी मोरलेस ऐसे ही आता है कि दोनों किस्म के फैक्ट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल 3 की टेस्टिंग होती है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कंक्लूजन देने जा रहा हूँ। अगर आपसे लेवल 3 टेस्ट कर रहा है तो आपको सिनेरियो ऐसे ही फेंकेगा जिसमें है, फॉर एग्जांपल, अगर आपने दो लोगों में से एक को CEO चुनना है, किसी की CV में उसका एजुकेशन बहुत रेलिवेंट होगी, किसी का स्किल रेलिवेंट होगा। अब आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और अब आपने ये क्वेश्चन में से कोई रीज़न पिक करनी है और बताना कि यार इस रीज़न की वजह से मैं एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ एजुकेशन पे, और मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट ए इज़ मोर सुटेबल। दूसरा कोई और रीज़न पकड़ लेता है क्वेश्चन में से, कहते हैं कि ये चूंकि हम बड़े टफ टाइम में से गुजर रहे हैं, पिछले का भी प्रॉब्लम था, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस के लिए ट्रेनिंग्स लेके कैंडिडेट बी इज़ मोर सुटेबल। तो एट अ टाइम दोनों के आंसर्स कुड बी फाइन। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि राइट एंड रॉन्ग कंक्लूजन, इट्स अबाउट रीजन कंक्लूजन, पहली बात तो ये। एंड वो रीजन कंक्लूजन के पीछे कुछ एनालिसिस होना चाहिए, वो एनालिसिस शुड बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल से क्या मुराद क्या है, कि आपने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को प्रॉपरली मेरिट पे आपने उसको कमेंट करना है। ये नहीं कि आपने जिस तरफ आपने आंसर को झुकाना है, ठीक है आपने एंड रिकमेंडेशन देनी है, लेकिन अगर जो दूसरे के प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपने क्लियरली दोनों को एक्सप्लेन करने हैं, यार कि एक्सपेंशन के ये फ़ायदे हैं, बड़ी नुकसान है, और ना जाने के ये फ़ायदे नुकसान है। बट मैं जो कह रहा हूँ कि जाना है, उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ों की जो फ़ायदों की वेटेज ज़्यादा है इन रीज़न की वजह से अगेंस्ट नुकसान, इसलिए मैं चला जाना चाहिए। और जो नहीं जाने वाला कह रहा होगा कि यार कि मेरे ख्याल नुकसान की वेटेज इन फैक्टर की वजह ज़्यादा है, तो दोनों, लेकिन आपने एनालिसिस जो है वो बड़ा प्रोफेशनल करना है। ये नहीं हो सकता कि आप सारी एक पिक्चर दिखाएं, दूसरी पिक्चर आप ना दिखाएं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को
कंसिडर कर रहे हों, तो इट्स, अगर पूरे पेपर की बात की जाए तो थोड़ा फ़र्क है सी फैब से, कि सी फैब में हमने ऑलरेडी एक आंसर जहन में सोच लिया होता है और हमने उसी पे कंक्लूड करना होता है। यहाँ पर अक्सर तो आपसे रिकमेंडेशन मांगेगा ही नहीं, आपसे एनालिसिस मांगेगा, और रिकमेंडेशन मांग भी रहा है तो आपने रिकमेंडेशन देनी है, आंसर को एक तरफ झुकाना है, बट आपने रीजन झुकाना है। और इट्स नॉट अबाउट कि आप अगर ये आंसर कह रहे हैं कि एक्सपेंशन दूसरा गलत होगा, दूसरा भी ठीक हो सकता है, इट डेट डिपेंड्स कि आपके आर्गूमेंट कहाँ स्ट्रॉन्ग है। सो आप क्वेश्चन देखें ज़्यादा जहाँ पे फैक्ट्स जिस तरफ झुक रहे हैं उन फैक्ट्स को पिक करें, लेकिन जो जो फैक्ट्स अगेंस्ट आ रहे हैं उसको भी आप प्रॉपरली इसको एड्रेस करें, और जब कंक्लूजन दें तो उसमें लिखें कि क्या पॉजिटिव चीज़ों को लेवरेज करना है और नेगेटिव वीकनेसेस को कैसे मैं उनको कैसे एड्रेस करते हुए मैंने एक्सपेंशन की तरफ जाना है। सो इट इज़ हाउ यू गिव अ, और इट्स मोर लाइक ए प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल भी ऐसे ही होता है, आप ज़िंदगी में कोई फैसला ऐसा नहीं लेते कि जिसमें एक ही पिक्चर हो, इवन आपने शिफ्ट होना हो एक शहर से दूसरे शहर, तो कुछ फ़ायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे, कुछ कैटेगरी एस्पिरेशन होगी, घर से दूर होगा, आपको कम्फर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, बट आप सोचते हैं कि ठीक है मैं इन इन चीज़ों की चूँकि वेट ज़्यादा है, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, और ये जो मेरे मसले मसाइल हैं इनको मैं ऐसे मैनेज कर लूँगा कि चलो यार रोज़ाना कॉल हो जाएगी घर, तो दोनों तरफ देना, क्योंकि ये पॉजिटिव इनकी वेट ज़्यादा और नेगेटिव को मैनेज कैसे करना है, रीज़न कंक्लूजन देना वहाँ पर। तो अब आप एक दूसरा कहते हैं कि ठीक है ज़िंदगी में सारा कुछ नहीं है, घर वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं, एस्पिरेशन है, पत्नी की ज़िंदगी है ये नहीं है, हम यहाँ पे भी यहाँ भी खुश रह सकते हैं, मैं अपनी जॉब में कोई मोटिवेशन ढूंढूँ, मैं नई वैल्यू ऐड करूँ और जाऊँगा, तो इस रीज़न के वजह से मैं शिफ्ट नहीं होना चाहता, वो बात भी ठीक है। तो आपने जो है वो जो पूरी की पूरी कमेंट्री है और एनालिसिस आपने पेपर से ही, केस स्टडी से ही निकाल के करना है, खुद से जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए आपको फॉर्मेट्स का, टूल्स का, कैलकुलेशंस का, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जो केस स्टडी में ही से ही आपने कमेंट्री करनी है, वहीं पर टूल्स को अप्लाई करना है, नॉलेज को अप्लाई करना है, कैलकुलेशंस को ड्रॉ करना है, और उन्हीं ही की बेस पर आपने रीजंट कंक्लूजन देनी है। अच्छा जी, अगर बात की जाए उन तीन स्किल्स की, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो आई कैप का पेपर एग्जामिनर है वो नॉलेज ऑलरेडी सी फैप पर टेस्ट कर चुका है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका स्किल्स टेस्ट करना है इस एमएसए में, कि आप स्टूडेंट के अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं, मैं क्वालिफाई करने से पहले, और वो तीन स्किल्स हैं जो उसने टेस्ट करनी है। नंबर फर्स्ट जो स्किल है दैट इज़ आर्ट ऑफ रीडिंग, क्या इसको पढ़ना आता है, और पढ़ने से मुराद है कि जितनी जब केस स्टडी का कंटेंट बढ़ता चला जाता है तो ट्रेल ऑफ थॉट्स को कैसे मैंने मैनेज करना है, मैंने ज़्यादा और कम इन्फॉर्मेशन को किस तरह से क्लासिफाई करना है बगैर किसी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किए, और मैंने किस तरह वन टाइम पढ़ने के बाद इस नतीजे पहुँचने के आपके सामने मेजर पॉइंट्स आप फैच कर सकें, मुझे थॉट्स फैच कर सकें उस केस स्टडी में से, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आर्ट ऑफ रीडिंग। वंस यू हैव गॉन थ्रू द रीडिंग, सेकेंड आर्ट इज़ आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि आप उस पॉइंट्स को जो आपने थॉट्स फैच किए हैं अब आपने उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कितनी सॉलिड कमेंट्री करते हैं, कितने अच्छे टेक्निकल जार्गन यूज़ करते हैं, कितना इन्फॉर्मेशन को आपस में लिंक करते हैं, कितने अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज़ आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। एंड टूवर्ड्स द एंड इज़ टाइम मैनेजमेंट, जो आखिरी जो बात है, ये हर पेपर में होता टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क लेवल ये कि आप जो मर्ज़ी कर लें ये पेपर है ही 4 घंटे का जो कि आपने 3.5 घंटे में करना है, तो कहने का मकसद क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन आपने कैलकुलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, कहीं आपको कैलकुलेशन शायद स्किप करनी पड़े, शायद कि आपको आंसर को इंटेंशनली शॉर्ट करना पड़े टू रीच द नेक्स्ट, तो ये जो चाह के भी पेपर अगर आप अटैम्प्ट करें तो 3.5 घंटे में क्या पेपर है ही नहीं, पेपर है ही 4 घंटे का, लेकिन 3.5 घंटे दी गए कि ये देखने के लिए कि टाइम को मैनेज, आप शायद 100% अटैम्प्ट ही नहीं होगा पेपर, ये होगा 90-99, लेकिन वो 5% जो आपने छोड़ना है वो कैसे आपने छोड़ना है कि आप बाकी 95 अटैम्प्ट कर सकें, दैट इज़ अ आर्ट, और उसके लिए बहुत जो है ना आपकी प्रैक्टिस चाहिए होती है यार कि ठीक है मैं कैलकुलेटिव जहाँ तक मेरी, क्योंकि मेरा एंड जहाँ तक मुझे किस रीज़न कंक्लूजन तक पहुँचना है मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मैंने एक NPV निकाल ली एक केस में फाइनेंशियल, दूसरे की मैंने अभी एंड तक नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे ऊपर वाले नंबर्स ही समझ आ रहे हैं कि इससे कम है, अभी तो फर्दर डिडक्शंस मैंने करनी है,
तो जो भी नंबर आएगा इससे कम आएगा। तो बजाय इसके पूरी कैलकुलेशन के बाद प्रूफ करूँ कि इसकी 1 लाख NPV है और ऑप्शन टू की 98,000 NPV है, मेरा डिसीजन तो नहीं बदलेगा कि फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। ये एक एस्पेक्ट है, मैंने स्ट्रेटेजिकली देखना है, मैंने अदर ऑप्शन देखना है, फिर मैंने कंक्लूड करना है कि मैंने जाना ही नहीं जाना है, ये किस ऑप्शन में जाना है। सो अब मुझे देयर इज़ नो लॉजिक मैं बैठ के ऑप्शन टू की पूरी NPV निकालूं अगर मैं हाफ वर्किंग करके ये व्यू ले सकता हूं कि इससे काम होगी ज़्यादा होगी, समझ आ रही नहीं। तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करके ये प्रूफ करने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर मुझे हाफ कैलकुलेशन में पता चल गया कि जितनी भी आएगी इससे कम होगी, अच्छा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। बाद आपने ऑपरेशन स्ट्रेटेजिकली देख लिया, ऑपरेशनल पॉइंट से देखे, फाइनेंशियली आपने देखा नहीं, टाइम थोड़ा है, आपको लग रहा है यार कि 5 नंबर की कैलकुलेशन के लिए मेरे को 50 मिनट लग जाएंगे, जितनी बड़ी आप लोग इन दो के साथ हो तो ये ऑप्शन बेहतर है। हाँ बट खाली इसकी भी इस पर फैसला नहीं किया जा सकता, फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियली भी ये बेहतर है तो हमें तो डेफिनेटली इसमें चले जाना चाहिए, और अगर बेहतर नहीं है तो फिर देखना चाहिए कि फिर दोनों को मैं प्रो वेट एंड फाइनेंशियल को वेट मैं दोनों की वेटेजेस को मैं मेजर करके फिर मैं डिसीजन लूँगा। और अगर तो बहुत मेजर डिफरेंस होगा जो कि मेरे सारे रिस्क को अकाउंट फॉर कर लेगा तो मैं फिर उसमें जाऊँगा, अदरवाइज मैं तो आपने कैलकुलेशन नहीं की लेकिन आपने लिख दिया कि यार अगर फाइनेंशियल ये नंबर आएंगे तो मेरा ये व्यू होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप वो 10 नंबर अगले आधा घंटा स्पेंड करके आप पूरा तीसरा क्वेश्चन जो आप अपना स्किप करें। सो इस किस्म की जो है ना आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, बट दैट शुड बी कैलकुलेटेड कॉम्प्रोमाइजेस कि आपके पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है एक एस्पेक्ट मिस हो रहा हो, दैट इज़ फाइन। आपको वैक निकालने में आपको लग रहा है कि यार कि मेरे तो 20 मिनट दूसरा वैक निकालने में लग जाएंगे, तो आप अजम्पशन ले 10% वैक की और कैलकुलेशन करते हैं और लीजिए नोट लिख दें कि मैंने अज्यूम किया एक्चुअल वैक जो निकलेगा वो इन इन चीज़ों ताकि उसको पता हो यार कि इसको पता है कि वैक निकालना कैसे, और यहाँ से डेटा आएगा इसको रिवर्स करेंगे हम एक IRR का मेथड लगाएंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी और 5-6 चीज़ों को हम वेटेड एवरेज लेंगे तो वैक निकलेगा। अभी ये वैक और इसके कम होने से हमारी NPV ऊपर जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, अभी के लिए मैं ये जूम कर रहा हूँ, मैं आगे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बजाय इसके क्या वो वैक की फिगर निकालने के लिए 20 मिनट लगा दें, उससे बहुत बेहतर है कि आप अजम्पशन लेके आप तो ये इफ़ यू थिंक यू कैन मैनेज कोई होंगे ऐसे चीते दैट इज़ फाइन, बट हर एक लेकिन ये आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने को या मॉक देंगे उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। सो इफ़ यू आर द वन हु कैन नॉट डू 100% दैट इज़ फाइन, बट देन यू नो हाउ टू मेक इट हाउ टू कम्प्लीट द ब्रेथ ऑफ द क्वेश्चन। ब्रेथ नहीं छोड़ी मैंने, कैलकुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ की है लेकिन मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट पूरा किया है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन और होती तो हम इस तरह करके इसको हम मैक्सिमम नंबर हम ले लेते। तो जो मैंने कंक्लूजन दी है वो रीजन दे रहा हूँ, समझा रही नहीं आ रही कि मैंने दो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनली मैंने पॉइंट फेच कर लिए, कैलकुलेशन जितना मेरे पास आई मैंने रीजन दे दी, नहीं आई तो भी मैंने उसको ओपन एंड कंक्लूड कर दिया कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, मेरा इसमें ये व्यू है। तो फिर भी आपने कंक्लूड तो कर दिया रीजन, हाँ उसको एक स्टेप और तक रिफाइन नहीं किया दैट इज़ फाइन, बजाय इसके कि मैं कैलकुलेशन में लगा रहूँ स्ट्रेटेजिक भी ऑप्शन मिस हो गए, ऑपरेशन रिस्क पर मैंने बात ही नहीं की ना ही मैंने कंक्लूड किया, तो उससे बेहतर कि मैं इस तरह आंसर कवर कर लूँ बजाय इसके कि मैं उस तरह लेके चलूँ। सो 3 स्किल्स हैं, आर्ट ऑफ रीडिंग, आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन और टाइम मैनेजमेंट। तो आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं ही जो की फॉर पासिंग MSC2 में इन्हीं चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है ICAP का ये पेपर को बनाने का, कि वो चाहता है कि ICAP का प्रोफेशनल जो निकले वो ऐसी कंपिटेंसी लेके निकले कि वो वेल रिकग्नाइज मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपहोल्ड किए हों, और साथ ही वो एथिक्स का और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इन चीज़ों का भी क्या कहते हैं दामन हाथ से ना छोड़े पा रहा हो, यानी कि एक टाइम पे यू वांट यू टू बी मोर अ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ पर्सन, जहाँ क्योंकि आप जब रियल लाइफ में आप डिसीजन ले रहे होते हैं आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे होते, आप फाइनेंशियली स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशनली एथिकली टैक्सेशन इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते ही कुछ बिजनेस डिसीजन ले रहे होते हैं, ज़िंदगी का भी और बिजनेस का भी, तो सारे फैक्टर्स आपके सामने होते हैं और यही चाहते हैं कि आप जो है एक इंटीग्रेटेड व्यू ले रहे हो। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, कि वो चाहता क्या है कि पेपर विल बी एबल टू, ये समझना क्यों ज़रूरी है क्योंकि उसने यही पूछ रहे हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स तो टेस्ट करने हैं उसने, कि उसको वो चाहता है कि आपको चीज़ों को एनालाइज इवेल्यूएट रिकमेंड करना आता हो। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स में जिसको कहते हैं एनालाइज करना, इवेल्यूएट करना, आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, इस हर लफ्ज़ का अपना मतलब है। आइडेंटिफाई का मतलब है कि आपने सिर्फ उसको लिस्ट डाउन कर देना है, आइडेंटिफाई द वीकनेस, तो आप सिर्फ लिखने के वट आर द वीकनेसेस, वट पार्ट कवर कर लिए। जब कहता है एक्सप्लेन
तो आपको व्हाट भी कवर करना है, आपको वाई भी कवर करना है कि व्हाट आर द वीकनेस एंड वाई इट इज़ योर वीकनेस। सही है, ऐसे वो कहते हैं डिस्कस करें। तो डिस्कस जब भी आपने करना है तो आपने एक चीज़ के दोनों एंगल्स कवर करने हैं, प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट। जब कहते हैं एनालाइज करें तो एनालाइज का मतलब क्या है कि आपने चीज़ों को पहले ब्रेक करना फिर एक्सप्लेन करना है। इवेल्युएट से मुराद क्या कि आपने किसी भी चीज़ को किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करके आपने उस पर कमेंट्री करनी है। एंड रिकमेंडेशन से मुराद क्या, यस यू हैव टू क्लियरली रिकमेंड समथिंग, ऑप्शन वी एंड डी। तो क्वेश्चन वर्ब्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एक पेज है, मैं आपसे वो भी क्लास के एंड पे शेयर कर दूंगा कि व्हाट आर द क्वेश्चन वर्ब्स और इसके मतलब क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलें तो ये कहता है एनालाइज, इवेल्यूएट, रिकमेंड, विजन, मिशन, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, बजट, फोरकास्ट। तो यानी कि अगर पहला कंपोनेंट देखें तो बीएम है, और दूसरा तीसरा देखें तो बीएफडी है, और चौथे पे हम आए तो वो वर्ड यूज़ करता है इवेल्यूएट। यहाँ पे आप देखें वो एनालाइज या रिकमेंड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टैक्सेशन इंप्लीकेशन में आपने कोई अपनी तरफ से एनालिसिस या रिकमेंडेशन नहीं करनी, क्योंकि दैट इज़ अ लॉ। लॉ में सिर्फ आपने देखना है कि अगेंस्ट कंपेयर करने के है या नहीं। ऐसी लीगल एथिकल गवर्नेंस में यू हैव टू जस्ट रिकग्नाइज कि क्या हो रहा है। आप इसमें खुद से कोई जो है जा बढ़ के जो है आप उसको मशवरे नहीं दे सकते, बिकॉज कोर्ट जो है सो है, वहाँ का रिक्वायरमेंट है तो है, तो यू हैव टू जस्ट अप्रिशिएट इट। अच्छा, अब जो हमारी केस स्टडीज आती हैं उसमें किस किस्म के कॉन्टेक्स ज़्यादातर कवर होते हैं, तो अगर पास्ट पेपर देखा जाए तो हमारी जितनी भी मोरलेस केस स्टडीज़ हैं वो इन्हीं ही सिनेरियोज में फॉल कर रही हैं। नंबर वन थिंग इज़ कि डेवलपिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी। इससे मुराद क्या है कि आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी, जितने भी आपका एनालिटिक्स का, बिग डाटा का, डाटा एनालिटिक्स का कंपोनेंट है वो इधर फॉल करता है कि आप डाटा को लेवरेज करते हुए इनसाइट्स को फेच करें और फिर उसके बेस पर आप स्ट्रेटजी भी डिज़ाइन करके दें। यानी कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आप डाटा एनालिटिक्स को लेवरेज करते हुए कैसे अपनी कंपेटिटिवनेस को बेहतर कर सकते हैं, आप कैसे जो है अपनी मार्केटिंग को बेहतर कर सकते हैं, कैसे बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो वो आप कोई मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी, और इन्फॉर्मेशन डाटा की एक रिफाइंड फॉर्म इज़ इन्फॉर्मेशन। और डाटा पहले के ज़माने में जो अभी डाटा एनालिटिक्स और बिग डाटा के जो कॉन्सेप्ट्स आए, सो दोज आर द की रीजंस जिसकी वजह से आपके जो कहते हैं आप इनको लेवरेज करते हुए। तो अक्सर बहुत ये जितने भी पास्ट पेपर्स हैं तकरीबन हर पास्ट पेपर में डाटा एनालिटिक्स का कंपोनेंट 5, 6, 7 नंबर का तो सवाल होते ही होते हैं। और ये जो है आपसे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी, ये वर्ड तो नहीं आता लेकिन वो पूछता ऐसे ही है कि डाटा एनालिटिक्स को लेवरेज करते हुए फिलहाल हमें बताएं कि कैसे हम स्ट्रेटजी पे कोई कमेंट करवा रहा हो। फिर कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं कि आप वो मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म पे या तो ऑलरेडी उसने दिया होता है कि तो उस पर कमेंट्री करें या सजेस्ट कर दें। और इसमें भी वही प्रॉब्लम कि हमारी चूँकि एक टिपिकल अप्रोच है कहते कमेंट कर दें तो हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स कवर करते हैं, यानी कमेंट का मतलब कहीं नहीं कि आप कमेंट जो चीज़ें अलाइन है वो भी आप लिखें, जो चीज़ें अलाइन नहीं वो भी आप लिखें। तो क्रिटिकली तो नहीं आप कह रहे कि आप जो है सिर्फ उसमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आइडेंटिफाई करें। ऐसे बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिजनेस के रिस्क हैं, इंटीग्रेशन के रिस्क हैं, चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो आपकी पोस्ट मर्जर सिनर्जीज की मैनेजमेंट, ऐसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, आपके कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैं तो उनका रिस्क आप कैसे मैनेज करेंगे। बट ये फॉरेक्स का जो कंपोनेंट है वो बहुत कुछ है, तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पूछता है 4, 5, 6 नंबर का, दैट्स इट। बिजनेस स्टार्टअप प्लानिंग, मैं बिजनेस को सेटअप कर रहा हूँ या बिजनेस लेके जा रहा हूँ। बिजनेस एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे के जो है ना वो ये मतलब ये पूछा भी जाता है और फ्रीक्वेंट पूछा जाता है कि डिफरेंट बिजनेस की वैल्यूएशंस कि आप डिफरेंट तरीक़ों से रेंज ऑफ वैल्यूज़ आ जाए, आप उसको या एक्वायर करने जा रहे हैं, बिजनेस को बेचने जा रहे हैं तो आपके जहन में वैल्यूज़ क्या होगी। देन डिवेलपिंग पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ वेरी इमर्जिंग टॉपिक। साथ अगर आप इसमें बेशक आप ऐड कर लें रिस्क मैनेजमेंट का कंपोनेंट भी जिसमें साइबर कवर हो जाता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक आस्क है और ग्लोबली भी बहुत आस्क है इनकी। और अब आईकैप भी अपनी क्वेश्चंस में इन चीज़ों को 5 नंबर 6 नंबर, इनमें फ़र्क क्या है, हाउ दे बिकम मोर सस्टेनेबल, व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट दे कैन डू, तो इसमें जो है आपको एक अच्छी कॉन्सेप्ट पे कमांड होना ज़रूरी है। ऐसे ही एक और बहुत ज़्यादा टॉपिक जो डिस्कस होता है दैट इज़ रेजिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस।
कि किस इक्विटी सोर्स ऑफ इट कुड बी डेट इट कुड बी बोथ. और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि BFD में पहले कोर्स में था अब ऐड करवा दी है, दैट वाज अ थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड देयर वाज अ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वेंचर कैपिटल्स VC फंड्स, जहाँ आपके पास बिजनेस के पास अगर अपने पैसे नहीं हैं और कोलेटरल भी नहीं है बैंक को देने के लिए जिसके अगेंस्ट वो लोन लेगा, तो फिर थर्ड फॉर्म थर्ड एरिया जहाँ पे आप पैसा रेज कर सकते हैं दैट इज़ प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो कि आपके बिजनेस को पैसा लगाता है बट इसके अपनी इम्प्लीकेशंस हैं जो कि अपने साथ वो लेके आता है जिसको हमने अकाउंट फॉर करना ज़रूरी है. फिर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, हाउ टू मैनेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, प्रीवियस पेपर भी आपका जो बैलेंस स्कोर कार्ड इस तरह की चीज़ें, तो इट इज़ वेरी ये केस स्टडीज. रिम्यूनरेशन या रिवॉर्ड पैकेज आपसे डेवलप करवाएगा या ऑलरेडी आपको CEOs को देकर कहेगा आप उस पर रिकमेंड करें ये पैकेजेस रिम्यूनरेशन रिवॉर्ड ठीक है या नहीं है या इसमें क्या कमी बेशी है या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं. पास्ट में क्वेश्चन आया उसमें भी उसने डिफरेंट CEO का एक पैकेज बनाया जिसमें देर वॉज अ फिक्स एंड वेरिएबल कम्पोनेंट विच वॉज गुड, बट फिक्स कम्पोनेंट वॉज प्राइमरी जो है वो आपका नंबर ड्रिवन था और शॉर्ट टर्म फोकस था, बोनस चीज़ें जिससे उसका व्यू शॉर्ट टर्म की तरफ ज़्यादा ट्रिगर होता ना कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने को उसको वो पुश कर रहे थे वो, तो पैकेजेस में ये मसले थे. फिर रीऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एंटिटीज मैनेजमेंट चेंज, फिर कोविड के बाद से जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बिजनेस रिकवरी की सिनेरियोज कुछ टेस्ट हुए, और एक बहुत सदाबहार टॉपिक है जो कि अक्सर टेस्ट होता है कि आपने एक्सपेंशन में जाना है कि आपने ग्लोबल फाइनेंशियल बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो किस मॉडल में जाना चाहिए, क्या वहाँ जाके एक्विजिशन कर लें कुछ JV कर लें, किस अरेंजमेंट में जाएं, किस तरह ग्रो करें, ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या होगी. तो ये वो मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट है जिसके जिस तरह के सवाल अभी तक ICAP की तरफ से पूछे गए हैं. अच्छा जी, अगर स्कोप ऑफ स्टडीज़ पे बात की जाए तो जो हमारा BM का पोर्शन है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है इसकी भी फर्दर ग्रिड ICAP की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर है, 40-50 नंबर. देन फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसमें आपकी रेशोज भी आ जाती हैं, देर इज 35-45. टैक्स प्लानिंग तकरीबन 5-15 और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ 5-10. तो आप देखें तो 15-20 नंबर का पेपर यहाँ से बन सकता है. तो ये आखिरी जो ग्रिड्स हैं दीज आर नॉट यू कॉन्ट टेक इट ऑन अ लेटर नोट, यू हैव टू टेक दम वेरी सीरियस. टिपिकल जो स्ट्रक्चर है पेपर का उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, पहला 50 नंबर का, बाकी दो मोर लेस 25-25 के. फर्स्ट इज मोर लाइक अ मिनी केस स्टडी जिसमें आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं, और टिपिकली टैक्स का को आस्क या एथिक्स के साथ ही आ जाती है. अगर इधर ना आए तो फिर आपकी क्वेश्चन 2 या 3 में टेस्ट होती है. बाकी तो क्वेश्चन एक आंसर क्वेश्चन ज़्यादातर BM की तरफ, एक क्वेश्चन जो है वो BFD वाले पार्ट पे झुका होता है, क्योंकि आप जैसी बात अगर आप नंबर देखें तो 35-40 उधर से कवर करना है और 40-50 का क्वेश्चन वहाँ से बनाना है. तो बाकी दोनों क्वेश्चन में भी सारा तो क्वेश्चन नंबर 1 में टेस्ट नहीं हो सकता ये ग्रेड, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रह गया होगा BFD और BF का जो कि आगे जाके वो टेस्ट कर रहा होता है, कुछ को एक सवाल में कुछ को दूसरे सवाल में. जो टिपिकल टॉपिक्स पूछे गए हैं वो इस किस्म के हैं, बट जाहिर सी बात है इसमें और चेंजेस आ रही हैं. इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट आर द कीज फॉर पासिंग MSA2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू शी कैन आस्क, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. जो ऑनलाइन उनको कोई क्वेश्चन, ठीक है. अच्छा जी, व्हाट आर द कीज फॉर पासिंग MSA2?
एक तो जाहिर सी बात है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब हम कुछ पॉइंट्स ले लें तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपना एक आंसर ड्राफ्ट करें. कोई आप कहते हैं मुझे क्या रीज़न है तुम्हारे शिफ्ट होने की, सो यू नॉट शिफ्ट स्टार्ट विद आंसरिंग टिपिकल छोटे छोटे चीज़ें क्या कि चलो मैं जाके हवेली पे भी खाना खा लूँगी. वो ठीक है हवेली पे खाना खा रहे ना, लेकिन ये तो बहुत ही पैटी इशू है ना. आप शुरू करेंगे यार कि मेरे करियर का मसला, फिर वहाँ से करते करते आप आएंगे तो ठीक है. ये फाइनल एलिमेंट्स भी हैं जो कि लाहौर में हो जाएंगे, जो कि शायद कराची में या इस्लामाबाद में शायद ना होते हों. तो आपने आंसर भी इसी तरह से लेके चलना है उसको कि पहले आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिग इशूज़. वो कहते हैं यार कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, व्हाई वी नीड टू एक्सपेंड, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेज. एडवांटेज पहले बोलूँ कि सबसे ज़्यादा हैवी तगड़ा एडवांटेज हो, एंड आइडेंटिफाई द बिग इशू थ्रू केयरफुल रीडिंग. यानी कि आपको देर कुड बी अ टाइम कि आप जो लिख रहे हैं वो टेक्निकली बात गलत ना कर रहे हो कि वो वाकई एडवांटेज, लेकिन स्किल मार्क्स आपको नहीं मिल रहे होंगे. स्किल मार्क्स तभी आपको मिलेंगे जब आप जो है वो प्रैक्टिकली जो जिसकी वेटेज ज़्यादा उसको आप पहले उस जगह पर प्लॉट कर रहे हो. तो पहले थोड़ा सोच लें कि ठीक है छः पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने छः में से पहले कौन सा लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप अपने ऑगमेंट्स में जितना लिंक क्रिएट करेंगे उतने ही आप के लिए आपके जो ऑगमेंट की वेटेज बढ़ती चली जाएगी. जब आप कहते हैं कि यार के स्वॉट एनालिसिस आप कर रहे हैं और कहते हैं आप अपनी वीकनेस को एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेन करते हैं वीकनेस के यार के इट्स लाइक टेक्नोलॉजिकली हम जो है एडवांस नहीं है, वन ऑफ आवर वीकनेस. तो आप बोलेंगे ठीक है अगर एडवांस नहीं है तो इसका इससे हो क्या रहा है, हम मार्केट शेयर लूज़ कर, इसका क्वेश्चन में जिक्र भी होगा. और अगर साथ अपेंडिक्स में कोई कैलकुलेशन भी है और आप कह सकते हैं कि अपना मार्केट शेयर भी ओवर द पीरियड हम कम हो रहा है और हम पिछले साल से साल इतने परसेंट पे आ गए हैं, हमारे शेयर सेल्स भी लॉस किया हमने, सो और ऑगोमेंट में और जान डाल दी है. तो जितना आप इश्यूज़ को लिंक करके अपना ऑगोमेंट जितना स्ट्रॉन्ग करके प्रेजेंट करेंगे, एक ये भी है कह देना कि यार कि टेक्नोलॉजी इज़ आवर वीकनेस, ठीक है लेकिन व्हाट कवर किया, वाई किधर है, वाई इज़ आवर वीकनेस, आप क्यों वीकनेस हमारी, किस वजह से हम हमारा मार्केट शेयर लूज़ हो रहा है, ये बात भी ठीक है. लेकिन अगर आप साथ कैलकुलेशंस करके अपने बात को सामने तो और बात वाई आपको और तगड़ा हो रहा है, समझ. तो ये जिस तरह आप बेहतर अपने इश्यूज़ में लिंक क्रिएट करके एक अच्छा आर्गुमेंट लेके आएंगे उतने ही आपकी वेटेज आंसर की बढ़ती चली जाएगी. बहुत सारी जगहों पर हिडन पॉइंट्स होते हैं, उनको ज़रा बहुत फोकस करना इंपॉर्टेंट. आपके सामने मिनट्स आ गए बोर्ड की मीटिंग के और लास्ट जो मिनट्स अप्रूव हो रहे हैं 6 महीने पुराने हो रहे हैं, उसका मतलब क्या क्वार्टरली मीटिंग्स नहीं हो रही. तो इस तरह करके जो है ना पॉइंट्स पर फोकस करना. जब भी आप कोई नॉलेज अप्लाई करें तो अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूर अप्लाई करें कि इंफॉर्मेशन लिखें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी अप टू डेट है, रिलायबल है. अच्छा MSA2 में ऑगुमेंट को प्रोड्यूस करने के भी नंबर्स हैं. आप एक कमेंट्री कर रहे हैं एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर, तो ये लिखें आप उसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो यू हैव टू राइट इन योर कमेंट्री कि हाउ एवर द रिलायबिलिटी नीड टू बी चेक्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक दिस 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 दिस. तो आप पहले कमेंट्री करें और आप उसकी जो सैनिटी को खुद ही, अगर तो आप वो पा लिखा हुआ कि बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अगर कोई अपेंडिक्स में रिपोर्ट है तो आप उसको रेफर करें कि ये उसकी रिपोर्ट के बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ. और अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है तो कि आप एनालिसिस अपना कर लें और साथ पर लिख दीजिए. आप नॉर्मली भी किसी को कहते हैं यार कि ये मुझे आपसे यार फलां इंस्टीट्यूट क्या फीस है, आपने यार ये फीस लगी यार एक साल पुरानी है यार जाके ज़रा अपडेट कर लेना, ऐसे आप कहते हैं किसी को भी कमेंट्री. तो यहाँ भी आपने NPV निकाल ली, आप निकालें आप एक्सपेक्टेशन लें ग्रोथ की, ये वो सारा कुछ जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है. बहरहाल उसको कह दें उसको यार कि भाई ये इन्फॉर्मेशन को जो है ना ड्यू डिलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड. और मेरा यही मशवरा है कि कंक्लूड करते हुए कि अभी तक तो ये रेंज आ रही है बट इसकी एक दफ़ा ड्यू डिलिजेंस कर लेना इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि नंबर्स कन्फर्म हो जाएँ. सो इस तरह करके आपने जो है ना या इन्फॉर्मेशन लिखें कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मेरा ये ख्याल है. और अगर तो रिलायबिलिटी नहीं इंश्योर कर पा रहे तो फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट बेस्ड वैल्यूएशन करनी है, किसी की मार्केट वैल्यू है किसी की नहीं है, इसकी नहीं है आप बोल रहे हैं यार कि इसकी फैच होनी चाहिए, अभी मैं कॉस्ट को यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे ही आपका आंसर जो है बड़ा रियलिज्म प्रैक्टिकल कमर्शियल सॉल्यूशन से अलाइंड हो. और कोशिश करें कि आंसर जो है वो एज़ पर ऑर्डर जो रिक्वायरमेंट चल रही है उस तरह अटैम्प्ट करें, क्योंकि एक दफ़ा पार्ट बी पार्ट सी पर डिपेंडेंट होता है तो उसी ऑर्डर में अपने आंसर को अटैम्प्ट करें. कई दफ़ा रिक्वायरमेंट्स आपकी ओपन एंडेड भी होती हैं,
रिक्वायरमेंट के अंदर सब रिक्वायरमेंट भी छुपी होती है उसको। तो आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें तो आप ज़रूर देखेंगे, आप पता होगा यार कि मैंने व्हाट आर द टास्क, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। और जब आप क्वेश्चन पढ़ लें तो आप देखेंगे कि मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव अप्रोच क्या है उसको हल करने के लिए, और कोशिश करें कि आपके जो क्वेश्चंस की कवरेज हो वो फुल हो, टाइम कमिटमेंट आप मैनेज कर रहे हो, क्लॉक आपके सामने हो, और जितना जो टाइम डिज़र्व करता है उसके अंदर ही आप मैनेज करें और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करें, स्कैटर्ड अप्रोच ना हो, थोड़ा लिखें लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लिखें। मार्किंग में मैंने पहले कहा टेक्निकल मार्क्स तो होते ही होते हैं, बट इसमें स्किल मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जांपल आपने रेशियो एनालिसिस की, कोई सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दो प्रोफेशनल फर्म्स का कंपैरिजन वो करवा रहा है, एक लाहौर का ऑफिस है और एक इस्लामाबाद का ऑफिस, पास पेपर का क्वेश्चन है। और अब इसमें उसने डेटा भी दिया हुआ है रिटर्न रॉस निकालने का, रॉस इज़ वेरी गुड रेशियो कि आपका एक कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रेशियो है, क्योंकि आप कि दफ़ा वैसे दो कंपनियों का रेवेन्यू आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या पता है एक कंपनी का साइज़ ही 4 times है तो उसका रेवेन्यू तो वैसे ही एब्सोल्यूट नंबर में ज़्यादा होगा ना। बट रॉस इज समथिंग जो कि कैपिटल के ऊपर आपके तरह रिटर्न कमा रहे हैं, वो बड़ा एक अच्छी रेशियो है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड रेशियो फॉर ऑल द कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस। बट वेयर देर आर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस तो वहाँ पर शायद रॉस उतने लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ हमारी बिग फोर फर्म्स हैं या नॉन बिग फोर हैं जो भी फर्म हैं आप देखें वो कोई एसेट ओन नहीं करते ज़्यादातर, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म हैं वो अपने पैसे जो कैपिटल में वहीं फंसाते हैं जो उन्होंने मैक्सिमम रिसीवर्स में फंसे होते हैं या आपके वर्किंग प्रोग्रेस में फंसे होते हैं, सो दैट इज़ देयर फंडिंग। और मिनिमम वर्किंग कैपिटल रखते लगे लोगों ने आने जाना है। हाँ किसी स्मॉल प्रैक्टिस में ओनरशिप भी हो सकती है, मतलब बिकॉज वो चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में यही मॉडल होता है। अब वो कैपिटल, और इवन अगर ओनरशिप भी हो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ही नहीं, उसका कंपैरिजन बेस पे है भी कि वो इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न कमा रहा है, उसके लिए तो अपनी चार्जेबिलिटी पर आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं घंटा सोल्व कर रहा हूँ कितने मेरे रिसीवर्स जो हैं उनकी क्या टाइम है, क्योंकि असल मेरा वर्किंग कैपिटल वहाँ फंसा हुआ है। तो आपने उस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्विस बेस तो ये स्किल मार्क्स है, समझ रहे, तो आप कौन सा KPI राइट KPI को सेलेक्ट करना है स्किल मार्क्स, उस पर टेक्निकल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रॉस आपने सही कैलकुलेट किया उसके नंबर कटेंगे तो नहीं, और कमेंट्री भी आप कर रहे हैं कि इसका रॉस से बेहतर है, ताकि इस बेस पर रॉस की बेस पर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, ये बात गलत नहीं कर रहे टेक्निकली आप, और शायद आप थोड़े बहुत नंबर ले भी नहीं इस कमेंट्री के, बट स्किल मार्क्स जो उसके पीछे वो आप उसको लूज़ कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा MSA के क्वेश्चन में हेड रूम अवेलेबल होता है, हेड रूम से बात करके एक क्वेश्चन है उसमें शायद वीकनेस आपसे पूछ रही 4 की, लेकिन क्वेश्चन में 6 दी होंगी तो आप 6 आराम से ले सकते हैं, बट क्वेश्चन 4 है तो आपने एक दो वीकनेस मिस भी कर दी फिर भी आप क्वेश्चन है 6 का, मैक्सिमम यू कैन फैच इज 4, तो ये हेड रूम है। तो अगर आप दो चीज़ स्किप भी कर दी आप किसी भी 4 कवर करें तो आपको 4 पूरे आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम टेक्निक्स की बात की जाए तो इट इज़ सेट कि आप जो पेपर अटैम्प्ट करें, ये अक्सर पूछा जाता है यार कि मेरा पहले मैं कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, तो उसका तो सिंपल आंसर ये कि आप वही अटैम्प्ट करें जिसको आपको लगता है कि आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्मली टिपिकली ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया जाता है, उसकी रीज़न ये कि शुरू वाले 15 अच्छे यूटिलाइज हो जाते हैं। IKEA ने कहीं ये क्लेम नहीं किया ना कि कहीं कहा है कि हम जिसकी केस स्टडी फेल होती है उसको हम फेल कर देते हैं, वो पूरे 50 हों या ना हो तो फेल पास करते हैं, बट ACCA में ICW में ये ऐसी है कि अगर आपकी केस स्टडी फेल हो जाती है तो आपका पेपर फेल ही होता है, इरिस्पेक्टिव आपके 50 पूरे हो जाए, यानी कि आपने पहले उसमें 20 ली और बाकी 60 में से आपने बाकी 50 में से आपने 50 ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो 70 आ गए टोटल, लेकिन आपका पेपर फेल है। देखिए इनका कुछ किस्म का कोई गाइडेंस नहीं है, डिस्कशन भी हुई है और कभी उन्होंने कहा इस पर कोई कमेंट नहीं किया, हालांकि पेपर वहीं से इंस्पायर्ड है, तो खैर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बट एक कोनोटेशन तो एक है। तो मेरा तो ये व्यू है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही अटैम्प्ट करें, हाँ 2 या 3 में देख लें जिसमें आप मोर कंफर्टेबल हैं। अक्सर लोग 2 अटैम्प्ट करते हैं और 3 रह जाते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं 3 ज़्यादा बेहतर था, मतलब ये 3 अटैम्प्ट के लिए ज़्यादा बेहतर था, तो उस पर एक दफ़ा सोच लें जो आपको 3 अगर ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो पहले उसको अटैम्प्ट कर लें फिर 2 आ जाए।
जब आप क्वेश्चन शुरू करने आप रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले जो है वो रिक्वायरमेंट को आप रीड करें, और उसमें क्या करना है क्या रिक्वायरमेंट रीड करते हुए, ये आर्ट ऑफ रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें यार कि मुझे एक्चुअल चाहिए क्या, व्हाट डू यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट। आप अपना जो है ना राइट फ्रेम ऑफ माइंड को एस्टेब्लिश करते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड से उस क्वेश्चन को आप गुजार रहे हो। स्मॉल लाइक मैं एक्सप्लेन एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह एक सांचा नहीं होता, तो जब आप फॉर एग्जांपल कोई डिटेक्टर लगा हुआ है और जिस तरह कुछ पीसेज हैं वो मैग्नेट है और कुछ अदर हैं, और आप मैग्नेट लेके खड़े हुए हैं, जब जैसे उसमें से गुजरेगा तो मैग्नेट खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पढ़ा हो, जब केस स्टडी पढ़ें तो आप ऑटोमेटिकली पार्क करो कि ये इन्फॉर्मेशन बी से रिलेवेंट है, ये सी से रिलेवेंट है, डी से रिलेवेंट है, और उसको आप अंडरलाइन करते चले जाएँ, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बैक एंड की है, जिसकी एक समरी बना के आप घुमा के बैक एंड पे आप पार्क कर लें। राइट फ्रेम ऑफ माइंड को एस्टैब्लिश करें, माइंड मैप बनाएं क्वेश्चन का। माइंड मैप से मुराद ये कि कितने किसे कितने मार्क्स हैं, व्हाट है, वाई है, कहाँ से कवर करूँगा मैं, आधा नंबर आइडेंटिफाई करने का, आधा एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको पता हो कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और जो क्वेश्चन वर्ब्स हैं इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर लूँगा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ जरूरी है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन है तो आप जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आपने सिर्फ वहाँ से व्हाट नहीं निकालना, आपने वहाँ से वाई भी निकालना है। सिर्फ आपको ये नहीं चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है, क्यों है, ये भी रीज़न आपको क्वेश्चन से ढूंढनी है, बट अगर वो आइडेंटिफाई है तो आपको इस डिटेल में आपको नहीं जाना। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के राइट फ्रेम ऑफ माइंड एस्टैब्लिश करके फिर आपने केस स्टडी की तरफ जाना, कि आपको पता हो मुझे चाहिए क्या इसमें से। टाइम एलिमेंट क्रिटिकल, जिसमें पहली बात हुई 2.1 का एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, और एलोकेट करें कम से कम 25% टाइम रीडिंग एंड प्लानिंग का, कम से कम 75 में अटैम्प्ट करें, क्योंकि आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करें, आपको शॉर्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अप्रोच चाहिए। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन अ क्वेश्चन कितने हैं, उसके सब रिक्वायरमेंट कितनी हैं, किसी रिक्वायरमेंट पे आप स्टक ना हो, कोशिश करें कि आप मूव ऑन करते चले जाएं। जब भी आप क्वेश्चन शुरू करें अपना रोल को अंडरस्टैंड करें, अपने ऑडियंस को देखें, अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करें, किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, कोई लेक्चर्स हैं, चीज़ें हैं, पेंडेंस हैं, उनको ज़रूर पढ़ें, एक्टिवली करें, रीड करें, और जो आपको फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है उसको आप ज़रूर हाईलाइट करें, बैक एंड को आपके दिमाग के बैक एंड पे पार्क करें। रीड द रिक्वायरमेंट अगेन, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें फिर दोबारा दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ें, और फिर अपना एक आंसर का एक प्लान चॉक आउट करें, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें, की थिंक लगें, और कोशिश करें कि कम से कम क्वेश्चन नंबर वन तो पूरा अटैम्प्ट करें आप 100%। अगर आप केस स्टडी में से वो 35 नंबर ले लेते हैं तो फिर आपके लिए बाकी 50 में से 15 नंबर लेना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, कि आप थोड़ा थोड़ा भी टच करते हैं, एक दो नंबर, तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, तीन छह रिक्वायरमेंट में से आप दो तीन दो तीन दो तीन, और अगर कोई कैलकुलेशन लग जाती है और अच्छे अटैम्प्ट कर लेते हैं तो एक आपका एक अच्छा पेपर जो है वो निकलने के चांसेस बढ़। बट अगर आपकी केस स्टडी में ही आप 15-20 नंबर पर फॉल कर रहे हैं और डेढ़ दो घंटे भी आपने लगा दिए, तो अब गेम जो है वो ख़तरनाक होना शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि आंसर को रिक्वायरमेंट में करें, बट फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए है कि आप बताएं कि रिस्क क्या है, और पार्ट बी है उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, तो आप उसको बंडल भी कर सकते हैं। आप एक लकीर लगाएं और लेफ्ट पे ए और बी और सामने सामने उसके लगते हैं, तो इट्स गुड, इस तरह करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, बट अदरवाइज कोशिश करें कि आप हर नए पे से नई रिक्वायरमेंट आप शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है MSA 2 का, और ये कहते हैं कि ब्रेथ ऑफ आंसर इज इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू डेप्थ, यानी कि आपने सॉर्ट करना है 10 नंबर का, तो बजाय आप 10 नंबर 5 नंबर की आपने स्टैंड आइडेंटिफाई कर ली, 5 नंबर 5 वीकनेस लिख दी, 10 नंबर तो आपने पूरे कर लिए, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी थ्रेड टच ही नहीं किया, तो आपने ब्रेथ कवर नहीं किया आंसर की, आपने जो है वो डेप्थ कवर की एक फोकस में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले आप ब्रेथ कवर करें, 2 स्ट्रेंथ 2 वीकनेस 2 अपॉर्चुनिटी 2 थ्रेड लिख ली, अब 2 नंबर और हैं, हाँ अब आप एक स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा लिख लें, एक वीकनेस एक्स्ट्रा लिख लें जिसका डाटा दिया हुआ है, बट आप ये नहीं कह सकते यार कि आपने सारा आंसर जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस में ज़्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखने, तो आप 6 नंबर है ठीक है, 4-2 का स्प्लिट कर लें, 3-3 का स्प्लिट कर लें, ये ना कि आप 5 एडवांटेज और 1 आखिर में डिसएडवांटेज लिख रहे हैं, तो आपका आंसर की ब्रेथ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। अच्छा, कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन
गिवन होगी कि आपको एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी, तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो सिनेरियो में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी ज़्यादा वेटेज है एज़ कम्पेयर टू एग्जम्पशन। एक वीकनेस है जो आप अज्यूम कर रहे हैं, कह रहे चूँकि ये ऑपरेशन कॉस्ट मेरी बढ़ी है तो शायद मेरी मशीनरी पुरानी है, यू आर नॉट श्योर। और उसके मुकाबले में दो तीन वीकनेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपके प्रोसेस आउटडेटेड हैं, आपका आपकी जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर आपका आउट है, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी जो 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 इन्फॉर्मेशन गिवन है एज कम्पेयर टू अज्यूम्ड। बट रूल ये कि ब्रेड्थ को कवर करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको थ्रेड कोई क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो फिर भी आप अजम्पशन लेके थ्रेड निकलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेड्थ कवर करने के लिए एज कम्पेयर टू गिवन स्ट्रेंथ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। समझा रही कि नहीं आ रही? तो सिंपल असूल है कि गिवन इन्फॉर्मेशन की वेटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अजम्पशन, बट उस पर ये रूल सुपर सीड हो जाता है ब्रेड्थ वाला, कि ब्रेड्थ इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट दैन द डेप्थ। न्यू पेज फॉर ईच रिक्वायरमेंट, हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करें, कोशिश करें सर आज पूछता है स्वॉट, तो पहले कि स्वॉट एनालिसिस एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करें, फिर आपकी हेडिंग की स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स के बाद फिर अगली हेडिंग दें क्या स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स, उसको एक्सप्लेन करें, फिर आप हेडिंग दें ए बी सी उसको कवर करें। तो जितना आप रिक्वायरमेंट हेड, फिर वीकनेसेस, पहली वीकनेस दूसरी वीकनेस, तो जितनी आप हेडिंग्स देंगे, वाइट स्पेस देंगे, की पॉइंट सामने लेके आएंगे, तो उसके लिए एग्जामिनर के लिए आसान है उसको मार्क करना। तो जितना आपका शॉर्ट सेंटेंस होगा, शॉर्ट पैराग्राफ होगा, उसको मार्क करने में आसानी है। हर नया पॉइंट नई लाइन शुरू करें, एक लॉजिकल आर्गूमेंट का एक नंबर है, तो आप कोशिश करें दो लॉजिकल आर्गूमेंट्स को इकट्ठा ना करें, हर नए आर्गूमेंट को नई लाइन से शुरू करें, ताकि उसको नजर आए कि यार ये पांच नए रीजनिंग लेके आया। आंसर टू द क्वेश्चन सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हम वो क्वेश्चन आंसर करें व्हाट इज आस्क्ड, नॉट व्हाट यू वांट टू आंसर। इंसान का बहुत दिल करता है कि मैं अपनी नॉलेज को अपने पास रखे। फोकस ऑन द टर्म गिवन द क्वेश्चन, डिस्कस है, इवैल्यूएट, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प द एग्जामिनर इन मार्किंग योर आंसर, और जनरल रूल अपना लें, एक कॉन्सेप्ट पर या एक पैराग्राफ या एक कॉन्सेप्ट पर लाइन, नए कॉन्सेप्ट नए लाइन से शुरू करें। माइंड योर वर्ड्स पर सेंटेंस, जितने कम अल्फाज में अपने मफहूम को आप बयान कर सकते हैं उसकी उतना ज़्यादा, जहाँ जहाँ पे केवियट्स लेनी है जजमेंट एक्सरसाइज करते हुए ज़रूर उसको मैंशन करें कि बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इस तरह करके आप बात कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने, सर्टन डोंट्स, डू नॉट राइट एवरीथिंग यू नो, डू नॉट रिपीट व्हाट इज ऑलरेडी कंक्लूडेड। हमारे अंग्रेजी लिखने का बड़ा मसला है, वहीं से एक दफ़ा का जिक्र था जो क्वेश्चन में लिखा होता है वहीं से बात शुरू करते हैं, हालांकि उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी कंक्लूडेड है। डू नॉट रीच इन टू कंक्लूजन विदाउट स्टेप बाई स्टेप डीलिंग, क्योंकि प्रोफेशनल एनालिसिस एंड रीजन इट्स नॉट अबाउट कंक्लूजन। कंक्लूजन तो ऑलरेडी वो आपको बी एफ डी में टेस्ट करके आ चुका है, बी ए में टेस्ट, नॉलेज उसको पता है कि आपको आता है, उसने ये अप्रोच जो टेस्ट करनी है आपकी, जिसको अगर आप स्किप करते हैं तो आपको, डू नॉट ओवरलुक इजी मार्क्स, और जहाँ पर उसने रिकमेंडेशन मांग ली है वहाँ तो आपने देनी देनी है। जहाँ उसने रिकमेंडेशन नहीं मांगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अपने डिस्कशन को कंक्लूड जरूर करना है। आपको कोई भी आंसर जो है एडवांटेजेस लिख दिए, डिसएडवांटेज लिख दिए, लेकिन आपको एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ जरूर आना चाहिए जो कि आपके पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर रहा हूँ। और डू नॉट गेट स्टक इन अ सिंगल रिक्वायरमेंट, और कोशिश करें कि अगर आप कोई फंस रहे हैं तो उसको जगह वाइट स्पेस छोड़ दें, नया शुरू करें और वापस टाइम बच दें वापस आ दें। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ सॉरी ब्लंडर्स हैं जिसको आपने ज़रूर अवॉइड करना है एमएसए के लिए, और ये वे फॉरवर्ड भी यहाँ से आगे तक के लिए। एक जितना जो बड़ा कंटेंट है, जो पास पेपर तीन क्वेश्चन की हिस्ट्री बड़ी बड़ी होती है, तो लोग नॉर्मली इंटीमिडेट हो जाते हैं, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 10 से 15 क्वेश्चंस एमएसए या आईसीडब्ल्यू के टाइम बाउंड कंडीशन में किए हों। जब आप टाइम में मैनेज करना शुरू कर देंगे तो आपका जो इंटीमिडेशन है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा ब्लंडर क्या है स्टूडेंट्स का, कि डोंट मिस मैनेज टाइम एंड सीक्वेंस। फॉलो करें एग्ज़ाम का पेपर सीक्वेंस, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी, जिस तरह प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज करें। कोशिश करें कि आपकी रीडिंग इतनी स्ट्रांग हो कि जब आपने एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ लिया और आपकी 25-30 मिनट रीडिंग टाइम फॉर 50 मार्क क्वेश्चन, ये आपकी अप्रोच, तो अपने टाइम नोट करके आपने जो अपनी रीडिंग टाइम नोट करना है, और आपने कोशिश करनी है कि यार इससे बियॉन्ड मैं ना जा रहा हूँ, जा रही हूँ।
अपने क्वेश्चन को प्रीमेच्योरली स्टार्ट ना करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ के एंड एग्जाम वगैरह पढ़ के पूरा आंसर को चॉक आउट प्लान करके, जब भी कोई नई रिक्वायरमेंट लिखने लगें तो 60 to 90 सेकेंड रुक जाएं, एक थॉट बना लें, हाई पॉइंट लो पॉइंट, व्हाट इज़ वाई, स्टेक होल्डर एनालिसिस चल रहा है, की प्लेयर कौन से हैं, क्यों वो की प्लेयर हैं, क्यों उनकी पावर ज़्यादा है, क्यों उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसको पहले सोच के काम आउट करके फिर आगे चलें। कैजुअल राइटिंग को अवॉइड करें, आपका आंसर जो है वो थोड़ा लिखाओ, वेल स्ट्रक्चर लिखाओ, वेल प्लान्ड हो, कैलकुलेशन में स्टक ना हो, जैसे मैंने शुरू भी बात की थी, जहाँ पे एग्जम्पशन देनी है, वैक ले रहे हैं उस पर लिख दें कि यार कि वैक ही है, अगर कम होगा तो एनपीवी बढ़ जाएगी, ज़्यादा होगा तो कम आ जाएगी, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, बट अभी मैं एग्जम्पशन ले रहा हूँ। ऐसे ही एनपीवी की कैलकुलेशन, सारी चीज़ें, कई दफ़ा टाइम ट्रैप होता है, आपने उसमें नहीं इतना इंडल्ज हो जाना कि आप बिल्कुल फारिग हो जाएं, लेकिन जो कैलकुलेशन करें उसको बिल्कुल ठीक करें। जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है कैलकुलेशन का, वो बीएफडी से बियॉन्ड नहीं है, उससे नीचे ही है। हाँ, मार्क्स टाइम उसका लिमिटेड होगा जिसको आपको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, और कैलकुलेशन शुड नॉट बी गिवन मोर टाइम देन दे डिजर्व। और आगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि डोंट मिस आउट ऑन मैंशनिंग, कोई रेलिवेंट टूल या कॉन्सेप्ट लगता है बीएम में तो उसको मैंशन करना बड़ा ज़रूरी है। SFA है, पोर्टर 5 फोर्सेज, SWOT, और जो उसकी अपनी टेक्निकल वर्डिंग है, जार्गन्स हैं, जितना आप वो यूज़ करेंगे उतना ही आपके आंसर की प्रोफेशनल एनालिसिस बेहतर होता चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बुक साथ लेके जा रहे हैं उस प्रॉपरली बुक मार्क्ड हो, आपने पढ़े हों, खासकर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो आपका टैक्स वाला पोर्शन है उसमें जो आपको बुक पढ़नी आती हो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रोसीजरल चीज़ें ही पूछता है, और बुक आपको हेल्प कर सकती है, टेक्स्ट में तो बहुत हेल्प कर सकती है, और बाकी भी जो एरियाज़ में कोई फार्मूला, छोटी मोटी चीज़ें, कोई टूल का, कोई एक 5 फोर्सेज का एक अचानक याद नहीं आ रही ना पेपर प्रेशर में, मतलब आपको एग्जैक्ट पता हो कौन चीज़ कहाँ पे लिखी हुई, बुक मार्क हो, और उन्हीं बुक्स को आप साथ लेके जाएँ जो कि प्रॉपरली आपके पास बुक मार्क हो। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने टाइम अक्सर ऐसा होगा पेपर में कि आपके पास पूरा अटैम्प्ट नहीं कर सकते होंगे या कंक्लूड नहीं कर सकते होंगे, तो आपने अपने आंसर को अब्रप्टली एंड नहीं करना। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि बजे अब आप एक एनपीवी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आपने सेल्स लिंक, ऑपरेशन लिंक, कॉस्ट लिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, टैक्सेशन का इफेक्ट आपने ऐड कर लिया, अभी आप वर्किंग कैपिटल और आपने अभी वैक डिस्काउंटिंग करके उसको नीचे लेके आना, फिर आपने जो है वो ये फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट होगा, इसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना था, ऑपरेशन एनालिसिस करना था, फिर आपने रिकमेंडेशन देनी। अब बजाय इसके आप 5 मिनट आपके पास रह गए हैं, आप कह रहे हैं कि यार कि मैं वर्किंग कैपिटल पूरा कर लूँ या डिस्काउंटिंग कर लूँ, ये बहुत खैच के फाइनेंशियल, उससे बेहतर ये आप रुक जाएँ, आप 2-3 आइटम लिखे, यार अगर मेरे पास फर्दर टाइम हो तो मैं क्या करता, मैंने ये करना था, मैंने वर्किंग कैपिटल को भी एडजस्ट करना था, मैंने वैक भी लेना था, वैक भी मैंने वेटेड एवरेज लेना था, फिर इसके अलावा मैंने जो अदर फैक्टर्स जिसमें स्ट्रेटेजिकली इन फैक्टर्स को मैं देखता उनको, और ऑपरेशनली मैं इन एरियाज़ पे फोकस करके जो मैं फाइनल डिसीजन लेता उन सब को अकाउंट फॉर करते हुए मेरा डिसीजन होता, ये लिख देना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो एक स्टेप और ऐड कर लें। तो अगर आपको अगर यहाँ पहुँच गए तो अपना आंसर अब्रप्टली कभी एंड ना करें, 5 मिनट रह गए कोई मसला नहीं है, आप उसको लिख देंगे और ऐसे लिखेंगे अगर 2-3 मिनट अगर और हो तो आप क्या करते, एज यू टॉकिंग एग्जामिनर कि मैं चलो ठीक है ख़त्म कर रहा हूँ पर मेरे पास वो टाइम होता मैं क्या करता, तो वो अप्रोच अपनी ज़रूर लिखे हैं। और जो आपका टैक्स लॉ और एथिकल उसमें कोई एजम्पशन ना लें एज लीगल एक्सपर्ट, उसमें जो है ब्रीफ एक्यूरेट स्टिक टू फॉर श्योर यू नो, और ख़ुद से कुछ चीज़ें बनाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है उसके अंदर। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत आपने इसको नोट कर लें, बीएम में जो आपका पेस्टल, सॉट, 5 फोर्सेस, रिसोर्स एनालिसिस, स्टेक होल्डर मैपिंग, एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनसॉफ, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, डाटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स वाला जो आपका सारा एरिया है, ह्यूमन रिसोर्स का, SFA एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपका ये साइबर सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें भी आती हैं, प्लस आप सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो साथ साथ है ही है। फिर BFD में आपका वैल्यूएशन वाला, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और टैक्सेशन में भी मैं अभी मैं थोड़ी सी कमेंट्री में करता हूँ अलग से। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स।
फाइनल प्रिपरेशन की बात की जाए तो रीडिंग एंड थॉट सिमुलेशन इज अ स्किल और मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन इज अ आर्ट. तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जो आपके MSA 2 की वर्कबुक है उसको आप अटेम्प्ट करें. उसमें पास पेपर भी हैं अक्सर तो सारे. और ICW की क्वेश्चंस को आप रीड करें. जितनी आप उसकी रीडिंग करेंगे उतनी आपका कंटेंट और आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन आपका बेहतर होगा. और टाइम मैनेजमेंट कहते हैं कि इज आवर की टू पास दिस MSA. तो उसके लिए क्या है, ओनली वन थिंग कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड दैट शुड बी टाइम बाउंड. तो अभी अप्रोच होगी कि मॉक में जाने से पहले और पेपर तो डेफिनेटली जाने से पहले कम से कम आपने 3 पास पेपर जो है 3.5 घंटे में अटैम्प्ट आपने किए हों, प्लस 50% रीडिंग टाइम जो आपका है. ये आपने इंश्योर करना जाने से पहले कि यार कोई कम से कम आप पास फेल तो बाद की बात है, कम से कम आप 3.5 घंटे वहाँ पर मैनेज तो कर रहे हो ना अपने आप को. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने कोई 100 में 100 नंबर लेना है, मैंने 50 ही देने हैं. तो कम से कम आप बाकी जो है ना एंगजाइटी चीज़ें कंट्रोल अप्रोच ये फैक्ट सेट हो जाए एंड देन यू कैन गो एंड मेक अ गुड कमिटमेंट. अभी तो कोई क्वेश्चन है किसी के? अच्छा, अब दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं. एक वही है जिनकी मैंने बात की कि आज जिन्होंने आज ही तैयार किया कि पढ़ना अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ आप पास पेपर भी पिछले टाइम करेंगे वहाँ से भी काला टॉपिक और भी आ जाएगा, अब इनको कवर करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से अब नाउ इज द टाइम टू लीव फ्रॉग. वो क्या होता है कि बजाय पहले जाएँ बुक पढ़ें उनके टॉपिक्स कवर करें फिर उनको अटैम्प्ट करें, इसका टाइम नहीं है अभी आप लोगों के पास. और वो जो टॉपिक होगा वो BM किट लेवल का होगा, उसकी MSA की एप्लीकेशन ही नहीं होगी. तो वो आप उस टॉपिक को पढ़ के उसकी बेस पर आप जो है वो अभी MSA 2 को एड्रेस करने बहुत मुश्किल है. तो करना क्या चाहिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन कि यार कि अब इस इशू को कैसे टैकल किया जाए. अप्रोच जो है वो यही है जो आपके सामने अभी शो हो रही है कि आपने अटैम्प्ट करना है. तो लेकिन इसमें आप उल्टा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे फ्लिप कर देंगे कि आपने चूंकि लीव फ्रॉग से क्या मुराद है कि जो ICW के जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ जब उसकी जो उसके आंसर हैं वो इतने कॉम्प्रेंसिव है कि टॉपिक को खुद ब खुद कवर कर लेते हैं. MSA 2 का आंसर तो टू द पॉइंट है, उन्हें लिखना भी वैसे है. ICW के क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं और वो नॉर्मली इस तरह लिखे जाते हैं कि पहले वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करा देते हैं. तो जब उन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप पढ़ेंगी तो आपको टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और ना से टॉपिक रिवाइज होगा उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की केस स्टडी भी आप पढ़ लेंगे एक तरह से. सो उस केस में यू हैव टू जस्ट रिवर्स द ऑर्डर कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाए ही ICW के सॉल्यूशन पढ़ के. समझेगी कि नहीं अभी? और वापस आके MSA 2 की वर्क को अटेम्प्ट करें. अच्छा, अब इसके लिए आपको चैलेंज आएगा. चैलेंज ये आएगा, आप बोलेंगे यार कि भाई ये शॉर्ट के लिए चलो मैं शॉर्ट पिक कर लेती हूँ. अब मुझे शॉर्ट के लिए पहले मेरा क्वेश्चन रीड करना है ICW का, फिर मुझे अटेम्प्ट करना है. अब ये यहाँ तक पहुँचना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आई कैन शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू और ये फिर हम इसको अटैच भी कर देंगे जब ये कंटेंट आपसे शेयर करेंगे. अच्छा जी, आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से ऑनलाइन?
अच्छा जी, ये एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब ये क्या है कि ये आपके आईकैप की वर्कबुक है सारी, विजन पार्क बीएमजी, ठीक है। ये मेरे पास ये लास्ट वाली है, अब इसमें थोड़ी सी कुछ चेंजेस, एक दो क्वेश्चन और ऐड हो गए इसके अंदर। अब आगे इसके आगे ना इसके टॉपिक्स लिखे आ रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं स्वॉट, तो आप यहाँ पर सिंपल सर्च करेंगे स्वॉट, तो आपके लिए अप्रोच क्या है कि आप पहले ICW में आप जाएं, ठीक है। ये ICW की भी सारी बुक, सारे क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, ठीक है, और ये अपडेटेड जो लास्ट बुक के हिसाब से। आप यहाँ पर स्वॉट सर्च करेंगी, अगर तो उसमें कुछ स्वॉट का क्वेश्चन है तो ICW में नहीं है। इधर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको कि शॉर्ट का, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका है, तो आप बोलें यार के हम और एग्जांपल पिक करते हैं क्योंकि ICW में कोई शॉर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप फिर उसमें ये करेंगे कि आप एक क्वेश्चन से आप रीडिंग करेंगे और एक क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करेंगे। आप बिग डेटा कर लेते हैं जो कि ज़्यादा एक मोर लेस जो आपको ये बिग डेटा का ये क्वेश्चन नज़र आ गया, कॉपी कूफर्स लिमिटेड। अब आप डेटा एनालिटिक्स को यहाँ से ही समझें बजाय, या आप ऑक्सफोर्ड के या इंसाइक्लोपीडिया के इनके जो आर्टिकल्स होते हैं ना, व्हाट इज एनालिटिक्स, वहाँ से पढ़ें बजाय पिछली किताबों में जानेंगे। और ICW के फिर जो आंसर्स हैं क्वेश्चन, उनको पढ़ें ऐसे, केस स्टडी पढ़ें इनको। जब आप पढ़ेंगे तो आप दो चीज़ें आपकी होंगी, कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको अप्रोच भी समझ आ जाएगी कि यार इसको नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, लिखना किस तरह से। और फिर आप आके जब आप यहाँ से आपने रीडिंग कर ली बिग डेटा की, अब आप आके ICAM में उसको अटेम्प्ट करें बिग डेटा, समझ नहीं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल गया फ्रेश एंड फ्रोजन का, तो वहाँ से आप पढ़ें और फिर फ्रेश एंड फ्रोजन आके अटेम्प्ट करें, उसके आंसर से मैच करें। इस तरह आप आगे आते जाएँ तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे नीचे भी। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। तो ये जो है ना, ये ट्रैकिंग शीट, ये मैं आपसे शेयर कर देंगे अभी ये जब जैसे क्लास ख़त्म होती है। सो दिस शुड बी द अप्रोच कि आप अपने कॉन्सेप्ट को आप जो है ना वो जैसे अब आपने कहते हैं मैंने BFD रिवाइज़ करनी है, तो BFD में आप फॉरेक्स रिवाइज़ करना है, तो फॉरेक्स रिवाइज़ करने से बेहतर है कि आप जाके अपना पूरा फॉरेक्स रिवाइज़ करें और हैजिंग क्या होती है ये क्या है, तो उससे बेहतर है कि आप ICW का एक क्वेश्चन है Delta PLC, आप Delta PLC का आप आंसर पढ़ लें। किधर गया, ये रहा Delta PLC, ऑल टाइप्स ऑफ हेजिंग कवर कर लेता है। अब आप इसका आंसर पढ़ें, आज भी जाके पढ़ें, तो आपके तकरीबन सारी हेजिंग के सारे ऑप्शंस हैं क्या और कैसे अप्लाई, सारे कवर हो जाते हैं। तो बजाय इसके अब वो टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि आप जाके पहले बुक्स खोलें, वहाँ से टॉपिक पढ़ें और वहाँ से वापस आए इधर करें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मिनिमम है, वैसे तो पूरा कोर्स आपने कवर करना है, शुरू इन टॉपिक से कर लें, 70-80% आप कोर्स कवर कर लेंगे। इनको पहले जाके आप ICW से पढ़ें, कॉन्सेप्ट भी फ्रेश हो जाएगा क्योंकि ICW बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिखता है, वो पहले पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करता है कि है क्या और यहाँ पे कैसे लगेगा, तो है क्या वहाँ से वो और अपडेटेड है, ICW का है, वो लैंग्वेज है जो किसको पसंद है, वो ये वहाँ से इंस्पायर्ड है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। सो आप एक लीफ फ्रॉग करके वहाँ से आप एक चीज़ पिक कर रहे हैं जो कि जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ये थी इंक्रीमेंटल अप्रोच जो कि पुरानी थी, जो विच इज़ वॉज अ वेरी गुड अप्रोच अगर आपने पहले दिन से पढ़ना शुरू कर लिया होता। नाउ इज टाइम फॉर अ लीफ फ्रॉग, इवन फॉर दोस्त जिन्होंने क्लासेस पढ़ी हैं, तो उन्होंने पढ़ लिया ना, अब दे हैव टू लीव फ्रॉग, गो वहाँ से टॉपिक्स को कवर करें, वापस आए अटेम्प्ट करें। गॉट इट? सो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन वी हैड। 5-10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं हम, इसके बाद मैं आगे पहले आपको टैक्सेशन पे एक थोड़ी सी कमेंट्री करूँगा कि उनके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, फिर हमको एक आधा क्वेश्चन अटेंड भी कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना एक थोड़ा सा उसको रीडिंग एंड राइटिंग छोटा सा केस स्टडी करते, बड़ी नहीं करते, टाइम में कवर भी हो जाए। असल तो मैंने अप्रोच आपको समझानी है कि इट्स मोर लाइक अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको हैंडल करने के लिए, ताकि एक आपको ये जो सारी बातें इसकी अप्रोच समझ आ जाए, कुछ कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे हम, एंड देन वी कैन कंक्लूड द क्लास, ठीक है जी। अगर कोई ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, अदरवाइज वी कैन हैव अ क्विक 5-10 मिनट्स ब्रेक, नॉट अ लंच नमाज ब्रेक, जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है जी।
अच्छा जी, सेशन रिज्यूम करते हैं हम लोग। थोड़ी सी मैंने डिस्कशन करनी है टैक्सेशन पे, कुछ तो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बट इस पर 5-10 मिनट की कॉन्वर्सेशन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। टैक्सेशन को 5-10-15 नंबर का टेस्ट होता है एंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अगर देखा जाए तो एक तो इनकम टैक्स का तो कुछ कोर्स डिफाइन है, लेकिन सेल टैक्स में कुछ कोर्स डिफाइन नहीं है। और जाहिर सी बात है, सेल टैक्स की इम्प्लीकेशन भी इस किस्म की, इतना इंटरलिंक्ड है कि उसको डिफाइन किया भी नहीं जा सकता। बट उसका उसकी टेस्टिंग बहुत कम है, लेकिन एक दो दफ़ा उसने पूछा है। अब बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो हमारे पास 7, 8, 9, 10 पास पेपर्स हैं, तो उससे आपको ट्रेंड समझ में आता है यार कि किस किस्म का ट्रेंड है जिस किस्म का वो सवाल पूछ रहा है। सो अगर बात की जाए रिगार्डिंग टैक्सेशन, तो एक जो एरिया है जिसमें आपकी डिफरेंट बिजनेस जो इनकम आ रही है उसकी टैक्सेशन में बात हो सकती है, और उसमें भी ज़्यादातर बात जो हो सकती है वो डिफरेंट रेट्स पे ही हो सकती है, और डिफरेंट कंपनी के क्या रेट्स हैं। उसमें जो चेंज अभी आया है वो एक जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनकी रेगुलेशन में थोड़ा सा टैक्सेशन में चेंज आया, तो दैट कुड बी अ रेलिवेंट थिंग विच यू कैन आइडेंटिफाई। लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चंस टेस्ट हुए हैं वो ग्रुप रिलीफ के टेस्ट हुए हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उन पर एक अच्छा कमांड होना, बुक मार्क होना। और एक चीज़ जो बहुत फ्रीक्वेंट देखी गई है, टैक्सेशन में दो किस्म की टैक्सेशन होती है ना, एक तो है आप किसी कोई रेट अप्लाई करवाता है, कोई कैलकुलेशन करवाता है, और एक है प्रोसीजरल टैक्सेशन जिसमें थ्योरेटिकल, जो ज़्यादातर आपको चीज़ें रूल्स के अंदर मिलेंगी प्रोसीजरल रूल्स की, जो ज़्यादा आस्क है वो प्रोसीजरल आस्क इज़ मोर, ठीक है। और कि और ग्रुप रिलीफ में तो क्या है, डिसीजन ही है ना कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जाहिर बात है डिफरेंट कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस ओपन होंगी तो आप बताना पड़ेगा, इफ़ 100% रिक्वायर है और ये ऐसे चीज़ें हैं तो ये इस सूरत में हो सकता है या नहीं हो सकता। और कई जगह पे एप्लीकेबल ही नहीं हो ग्रुप रिलीफ, कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में, लॉसेज हैं ही नहीं। सो ग्रुप रिलीफ इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, और उसका प्रोसीजरल जो है, और तो वो बुक आपको हेल्प कर सकती है अगर प्रॉपरली बुक मार्क्ड है चीज़ें हैं और यहाँ से आ सकता है, तो दिस इज़ अ गुड। और उसके पास्ट पेपर में आंसर्स भी अवेलेबल हैं। दूसरा जो एक एरिया है जिस पर बात कर सकता है, दैट इज़ जहाँ बिजनेस एक्सपेंड होता है और आपकी जो कहते हैं बाहर से पैसा पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, तो मोस्टली वो डिविडेंड्स ही हैं, और पाकिस्तान में बिजनेस की नेचर है उसमें डिविडेंड ही रह जाता है। यानी कि या तो बिजनेस ने बाहर को एक्सपेंशन किया होगी और वहाँ से रिटर्न आ रहा होगा, तो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड यार होता है, तो उसकी टैक्सेशन किस किस्म की है। या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, पी उसने बनाई और यहाँ से पैसे बाहर लेके जाने हैं, जो कि मोर लेस रॉयल्टी डिविडेंड की फॉर्म में होता है, तो वो उसकी टैक्सेशन की इम्प्लीकेशन क्या हैं, तो एक ही रेलिवेंट सेक्शन है, उसके अंदर ही डिविडेंड सेक्शन में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। सो वो और वो वहाँ से रेट पर भी बात हो सकती है थोड़ी सी, और वो स्केड्यूल से आप रेट भी सामने डिफाइन कर लें। सो दैट इज़ समथिंग टू फोकस एट। इसके बाद एक दो क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन की भी उसने पूछे हैं। रिव्यूज नहीं होती कि आपने एओपी से कंपनी बनना है तो प्रीवेलेंट कौन सा टैक्सेशन है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो टैक्सेशन वापस कंपनी एओपी में आए, बट एओपी से उसके तरीके क्या हैं, उसके प्रोसीजर क्या हैं, पास पेपर में भी एक सवाल है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन करे, और टैक्स प्लानिंग में एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी रीऑर्गेनाइजेशन एओपी में ज़्यादा फ़ायदा है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसको कंपनी में ज़्यादा फ़ायदा है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसके, शायद कैलकुलेशन तक बात चलिए, आप दोनों तरह से कैलकुलेट करके बताएंगे यार कहाँ ज़्यादा टैक्स है, अगर रेट सारा दे देता है तो। दूसरा जो एक और चेंज आया है दैट इज़ कुछ एक्सक्लूजन आई हैं जो टैक्स क्रेडिट्स में, वो जो पहले टैक्स क्रेडिट्स काफ़ी ज़्यादा थी, जो कहते हैं BMR मॉडर्नाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग में, तो उसको काफ़ी टैक्स क्रेडिट्स मिलते थे 5-5 सालों के लिए, वो ख़त्म हो गए। हाँ, वहाँ पे एक टैक्स क्रेडिट अभी है जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल को इंस्टॉल करना। सो और वो है भी BM से रिलेवेंट के पॉइंट ऑफ सेल और बिजनेस एक्सपेंशन, आपने मार्केटिंग और ये वो CRM डाटा एनालिटिक्स से लिख करके पॉइंट ऑफ सेल, और उससे इनकम टैक्स भी और सेल टैक्स भी है, उसकी इम्प्लीकेशन दोनों तरफ फॉल करती हैं पॉइंट ऑफ सेल की। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से, बिकॉज चेंज भी अभी आया है। और सेल टैक्स भी अगर आप देखें, लास्ट टाइम जो दोनों उसने सवाल पूछे हैं वो भी पूछे हैं उस टाइम न्यू आए थे,
ऑनलाइन पे जब मूव किया तो क्या इम्प्लीकेशन हैं, और सेल टैक्स में तो ख़ास तौर पर ये इनपुट आउटपुट की नस्बत जो है वो जो उसके देखो कोई कोर्स डिफाइन नहीं है, बट उसमें तो मेरा व्यू यही है जो मेरे साथ एक टीचर के जो हमारे टैक्स के कोलीग हैं उससे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई बिकॉज ही इज़ मोर सीजेंड, तो उसका भी यही व्यू है कि मोर लेस सेल टैक्स में अगर बात की जाए तो इट इज़ मोर जो जो उसकी रूल्स हैं दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द सेक्शन इट्सेल्फ, बिकॉज प्रोसीजरल चीज़ें वहाँ पर कवर होती हैं, कब रजिस्टर होगा, कब डी रजिस्टर होगा, क्या इम्प्लीकेशन होंगी, तो ये वो चीज़ें हैं ज़्यादातर यानी कि जो कि थ्रेटिकल थेरी वाला पार्ट है ना सेल टैक्स का, दैट नीड टू बी गेट रिवाइज जो कि इससे ज़्यादा अनाइंड होगा। सो ये कुछ डिस्कशन थी रिगार्डिंग इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। और जहाँ तक बात की जाए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो ऑटोमेटिकली उसमें यही चैलेंज आता है कि लोग उसमें क्रिटिक तो कर रहे होते हैं यार एक फीमेल है और सिनेरियो में डायरेक्टर और एक्चुअली भी एक है, तो आप लिखें कि यार कोड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बट ये भी लिखें कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए और भी तो अच्छी बात है, तो दोनों नंबर आप लें ना। अब लोग लिख रहे हैं इसमें तो उसमें गैप ही कोई नहीं है ना, ये लिख रहे हैं कि एक है विच इज़ गुड, ये भी पॉइंट है, और ठीक है अगर एक है तो लोग लॉ ये तो नहीं कहते कि आप एक से एक तो मिनिमम है, आप इससे बियॉन्ड जाएँ तो जितना बोर्ड डाइवर्स होगा उतना अच्छा होगा। तो अभी दो पॉइंट लोगों में क्यों करूँ, तो टिपिकल अप्रोच क्या है कि इसमें मसला नहीं है भाई, मसला आपने कमेंट करना ना बोर्ड के स्ट्रक्चर पे और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या चीज़ें कंप्लाइंट हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। ऐसे ही जहाँ पे एथिक्स आता है तो एथिक्स दो किस्म की जगहों पे अप्लाई हो सकता है, एक ऐसा एथिक्स क्वेश्चन आ सकता है जो किसी प्रोफेशनल मेंबर पे अप्लाई होना है, यानी कि मैंने कोई रिपोर्ट ब्रीच कर मैंने कोई यानी कि कोई लॉग ब्रीच कर दिया, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया मुझे कह रहा था कि यार आप बताएं क्या करें और मैं मेंबर हूँ और मुझ पर क्या 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 कोड ऑफ एथिक्स कैसे अप्लाई होगा, तो मेरे पे जो कोड ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रॉपसी वो लग रहा होगा प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी, तो उस कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से मुझे आंसर करना होगा कि कौन कौन से कोड कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और क्या मुझे करना चाहिए। बट कुछ क्वेश्चन आते हैं बिजनेस एथिक्स के, उन पर ये कोड लगता नहीं है, वह आप कहते हैं यार कि आप बेंचमार्किंग कर रहे हैं तो बेंचमार्किंग करते हुए किन एथिकल कंसिडरेशंस को काउंट फॉर करेंगे, अब तो यहाँ पर यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, आपने आंसर करने हैं विद प्रैक्टिकल नॉलेज कि आप जो डाटा ले रहे हैं उनकी कंसेंट होनी चाहिए, यू नो उनको पता होना चाहिए एक स्टैंडर्डाइज डाटा है वो आए वैलिडेटेड होना चाहिए, आप अपने केवीएट्स का रिजल्ट शेयर कर रहे हो ठीक है, ऐसे ही आप कोई डाटा एनालिटिक्स में एथिकल कंसिडरेशन के हैं कि जिनका आप डाटा ले रहे हैं उनकी कंसेंट आपके पास उनको पता होगा डाटा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, इट्स मोर हाँ दे दिए आप क्या करना है या एथिकल स्टांस को एक्सप्लेन करें, एक एरिश क्लोथ वाला क्वेश्चन आया हुआ था और क्या मैयत ले सकते हैं किस तरह किस्म का कोई स्टेटमेंट है बिल्कुल ऐसी है, तो जो बिजनेस एथिक्स के क्वेश्चन हैं वो जेनेरिक क्वेश्चन हैं, उनको आपने जेनेरिक सेंस में इसको एड्रेस करना है फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज, और कुछ होंगे कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्वेश्चन है उसका उस जज करने का आसान तरीका क्या है कि अगर तो किसी बंदे पे कुछ एथिक्स अप्लाई हो रहे हैं और किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है आई कैप को लिखा होता अक्सर, तो फिर आप और अक्सर आपने ये भी करना है कि जब आपको एथिक्स अप्लाई करवा रहे हो या कोई डिलेमा हो तो आप लिखें यार कि ये फ़ायदा ये नुकसान है, और फिर आप ज़रूर रेफ़र करें अपने कंक्लूजन को कि आप आई कैप एक बॉडी है आप उसको भी रेफ़र कर सकते और उनसे भी गाइडेंस आप सीख कर सकते हैं कि आई कैप से भी गाइडेंस को सीख किया जा सकता है जहाँ पर बजाय इसके, क्योंकि आपने तो हाँ या ना आप तो खुद से तो रिकमेंडेशन देनी नहीं है ना, आप जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो अगर तो कोई ग्रे एरिया है तो उस बताइए कि कहाँ कोड को बीचों से कहाँ नहीं होता, और फॉर गाइडेंस यू कैन रीच आउट टू आई कैप एज वेल।
यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा खुश, मैंने भी पहले बात की थी क्वेश्चन वर्ब्स की भी कि वो क्या होते हैं। खैर ये इंटेलेक्चुअल लेवल्स हैं, इन पेपर्स को आप इग्नोर कर दें जो मैंने आपको बताया था कि लेवल वन क्या होता है, लेवल टू क्या होता है, लेवल थ्री क्या होता है। और फिर ये जो किस डिफरेंट वर्ड्स आते हैं ना आप एनालाइज करें, तो उससे मुराद क्या है, अप्लाई से मुराद क्या है, एसेस से मुराद क्या है, कैलकुलेट से मुराद क्या है, कमेंट से मुराद क्या है, कंपेयर, लिस्ट इज इंटेलेक्चुअल लेवल वन जिसमें हम सिर्फ लिस्ट कर देना है, आउटलाइन इज लेवल टू, रिकमेंड इज लेवल थ्री। तो ये जो है डॉक्यूमेंट, ये भी आप डिस्कस से क्या मुराद होता है, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने होते हैं, आपने एक इशू को दोनों एंगल से आपने देखना होता है। तो जब आप क्वेश्चन वर्ब्स जो है ना ये इसको आप ज़रा समझ लीजिएगा। नॉर्मली क्लास तो ये करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, जब क्वेश्चन आता है तो हम पहले रेफर कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश अगर हम कर लें, नींद शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आइडिया तो है ना, हम एक थोड़ा सा एक वो जहन बनाना है कि हमने करना किस तरह से। बीएम का ही है जिस तरह कि प्रोड्यूस अ कॉर्पोरेट अप्रेजल ऑफ विजन पार्क टेकिंग अकाउंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड डिस्कस की स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फेसिंग द कंपनी। तो सबसे पहले आपने माइंड मैप बनाना है। जब रिक्वायरमेंट आप पढ़ेंगे तो आप देखिए कि प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस से मुराद क्या है कि आई हैव टू समथिंग रिटर्न। तो प्रोड्यूस नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन वर्ब में जाऊँ तो प्रोड्यूस कोई वर्ब नहीं है, इट्स मोर लाइक एक्सप्लेनेशन को आप ले सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन से मुराद क्या होती है कि आपने एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, एक्सप्लेनेशन से मुराद क्या है, एक्सप्लेन का ये देखें, शो लॉजिकली हाउ अ कंसेप्ट इज डिवेलप्ड, गिव द रीजन फॉर एन इवेंट, डोंट जस्ट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, एड इन सम एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट। ठीक है, जब आप कॉर्पोरेट अप्रेजल प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है या अपॉर्चुनिटी क्या है या थ्रेट क्या है, आपने ये बताना है कि यार कि क्यों ये अपॉर्चुनिटी है, रीज़न भी आपने साथ देनी है, यानी कि वर्ड के साथ आपने वाई भी कवर करना है। आप कहते हैं कि आप कॉर्पोरेट अप्रेजल प्रोड्यूस करें टेकिंग आउट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स होता तो मेरे पास जो टूल था दैट शुड हैव बीन पेस्टल, वो बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। जब उसने दोनों फैक्टर्स की बात कर दी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, तो इंटरनल एक्सटर्नल को ऐसा टूल जो दोनों को अकाउंट फॉर करता है कॉर्पोरेट टूल, दैट इज़ व्हाट, दैट इज SWOT। तो SWOT हम यूज़ करेंगे एंड डिस्कस की स्ट्रेटेजिक चैलेंजिंग फेसिंग द कंपनी। अच्छा, अब जो SWOT निकलेगा वो जो चैलेंज निकलेंगे वो SWOT से निकलेंगे। और पार्ट भी कहता है कि यार कॉर्पोरेट अप्रेजल ऑफर अ स्नैपशॉट of the present, in order to focus on the future there is a need to develop a realistic policy and programs, recommend with reasons strategies from your appraisal that would enable to build on its past success। mujhe recommendations deni hai with reasoning। sabse pehle aapne mind map banana hai, mind map ka banane ke aapke paas SWOT hai, aapko challenges chahiye, aapko recommendation chahiye। तो आपने देखा यार कौन सी चीज़ मुझे क्वेश्चन से मिलेगी, कौन सी चीज़ मुझे क्वेश्चन की बेस पे मुझे फर्दर बिल्ड करनी है। तो पार्ट ए का जो पहला कंपोनेंट है SWOT, वो आपने क्वेश्चन से फेच करना है, चैलेंजेस भी उसी एनालिसिस से फेच होंगे और पार्ट भी उसी से फेच होगा। यानी कि आपको जो रीडिंग करते हो फ्रेम ऑफ माइंड, व्हाट यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट इज ओनली SWOT। वो चैलेंजेस और रिकमेंडेशन तो आपको उसी SWOT के एनालिसिस से ही निकलेंगे। तो हमने कहा था ना कि जब हम ये पढ़ रहे थे ये देखें, सबसे पहले जब आप रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपने, व्हाट डू यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट। तो आई शुड व्हाइल रीडिंग द केस स्टडी आई शुड नीड टू बी थिंकिंग अबाउट SWOT एंड आई नीड टू थिंक अबाउट नॉट ओनली व्हाट बट आल्सो व्हाई। मुझे रीजनिंग भी चाहिए, मुझे रीजनिंग क्वेश्चन से ढूंढनी, उसके बाद मुझे चैलेंजेस चाहिए, उसके बाद रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन वो उसके बाद निकलेगी वहीं से। क्वेश्चन पर तो मुझे SWOT चाहिए, सिर्फ व्हाट नहीं चाहिए, मुझे व्हाई भी साथ चाहिए। राइट फ्रेम ऑफ माइंड बनाएं, माइंड मैप बनाए। माइंड मैप से मुराद क्या है कि माइंड में नंबर्स एलोकेट करें, अगर 16 हैं
स्वाड इज़ बड़ा चैलेंजेस 10 versus 6, तो आपको कम से कम 3 आपको चैलेंजेस चाहिए विद रीजंस। स्वाड में आपको जो है वो वट एंड वाई दोनों कवर करना है, वट का आधा नंबर है, वाई का आधा नंबर है, आपको 10 कम से कम पॉइंट्स लिखने हैं स्वाड में। ब्रेथ कवर करने की बात की जाए, ब्रेथ अगर कवर करने की बात की जाए तो आपने कम से कम 2 स्ट्रेंथ, 2 वीकनेस, 2 अपॉर्चुनिटी, 2 थ्रेड तो करने ही करने हैं, और एक तीसरी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड डिपेंडिंग अपॉन द डेटा आई हैव। अच्छा जी, उसके बाद आपने वर्ड्स पे फोकस करना है। सर हमने कहा कि यहाँ पे हम यहाँ पे जो रेलेवेंट है वो एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन का मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अब जब मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है तो अच्छा मुझे रिकमेंडेशन विद रीजन, तो 3 कम से कम, या तो 4 रिकमेंडेशन हो उसके साथ रीजनिंग हो, या कम से कम 3 रिकमेंडेशन हो, रीजनिंग में 2 डिफरेंट पॉइंट्स हों, हर नए पॉइंट का एक नंबर है ताकि मैं 9 नंबर में ले सकूँ। अब जो आपने एक चीज़ जो रीडिंग करते हो इंश्योर करनी है, दैट इज़ अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड की होती है कुछ अंदर। फ्रंट एंड को आपने अंडरलाइन करना है, बैक एंड को कि आपने समरी बना के दिमाग, समरी किसान बनानी है अपनी लोकल लैंग्वेज में, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, जो भी है, तो एक आपके जहन में स्टोरी चल रही हो और आपने अपने आप को एक ट्रांस में यानी कि इन्वॉल्व हो जाना है अपना रोल जज करते हुए। आप जब तक अपने आप को इससे रिलेट नहीं करेंगे आप कभी भी अपने अंदर ये केस स्टडी उतार नहीं सकते। तो अब आपको स्वॉर्ड चाहिए, आप मैनेजमेंट पोजीशन में बैठे हैं, आपने इसमें स्वॉर्ड निकालना है, वर्ड भी निकालना है, वाई भी निकालना है, इस स्नैपशॉट एट प्रेजेंट है ये ध्यान में रखना है स्वॉर्ड। अब स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी ज़रूरी है, अगर पास की स्ट्रेंथ थी तो पास की थी, वो आज की नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ मुझे वो चाहिए जो मेरी आज एज एट है। तो ये जो ये आपको नॉलेज ये टूल को आपने अप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ लिख देते हैं, यार जो पास की स्ट्रेंथ थी भाई आज तो नहीं ना, तो अगर आज की नहीं है तो आप मेरी दिस नॉट अ स्ट्रेंथ एट द मोमेंट, आपने एट द मोमेंट चीज़ें लिखनी है। इसीलिए आपको टूल की अंडरस्टैंडिंग सही होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आपने उसको अप्लाई करते हुए और आपने कोशिश करनी कि एक दफ़ा पढ़ने में ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फैच कर लेनी है। जो फ्रंट एंड है वो फ्रंट एंड, कुछ कुछ बैक एंड इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी मैं एक स्टोरी बनाऊंगा और दिमाग के बैक एंड पे पार्क में करता चला जाऊंगा। अब मैं शुरू करता हूं। बिल्कुल, विजन पार्क वॉज फाउंडेड 30 years अगो बाय हुसैन महमूद, जो अभी देर तक कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। सिंगल शॉप से शुरू किया, ऐसा उसने ग्रो किया, एक्विजिशन करता चला गया नेक्स्ट 3 decades तक, और उसने एक डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर कर ली एज द लार्जेस्ट कंपनी इन द ऑप्टिशन सेक्टर। यहाँ तक कोई फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने या बैक एंड है? यानी कि दिस इज अप्रोच, जब भी आपने एक लाइन पढ़नी है तो आपने जहन में, मैं तो आपको अप्रोच समझा रहा हूँ, इज द मोस्ट ईजीएस्ट केस स्टडी, कि आपने जब भी लाइन पढ़नी तो आपने उस रिक्वायरमेंट से गुजारना है इसको। इज नॉट यू आर नॉट जस्ट रीडिंग आउट ऑफ फॉर सेक ऑफ रीडिंग, हर लाइन को आप रिक्वायरमेंट्स के लेंस से आप गुजार रही हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन इज कमिंग एंड लेंस से आप गुजार रहे हैं। तो आपने अब ये देखें यार कि जो मेरा स्वॉर्ड चाहिए मुझे, पहले आपने अपनी एनालिसिस को रीजन वो उसको कर लिया है, फोकस कर लिया कि यार कि चैलेंजेस और रिकमेंडेशन तो मुझे बाद में मिलेंगी, उसको मुझे अभी सोचना, मुझे स्वॉर्ड को सोचना है। तो आपने उसको ऑलरेडी रिक्वायरमेंट को आपने नैरो कर लिया हुआ है। अब नैरो रिक्वायरमेंट को आपने यहाँ से गुजारना कि अब यहाँ तक कोई स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड आपको नजर आई या नहीं आई, कि आपने हर लाइन के बाद खुद से सवाल पूछना। अब बताएं आई है कि नहीं आई? इसको मजीद जूम इन कर लें, ठीक है।
लाइव में शो नहीं हो रही। मैं करता हूँ दोबारा, मैं ठीक है, अब हो जाएगी, अब हो रही है। अब देखें मैंने की है दोबारा, बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ तक कोई कोई नज़र आया कि नहीं आया कोई फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन? एक्वायर्ड डोमिनेंट पोजीशन, ये है समझ स्ट्रेंथ या नहीं है? वो तो थोड़ा सा लैग होगा ना। अच्छा, ये कहते हैं एक्वायर्ड अ डोमिनेंट पोजीशन, तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ बिकॉज ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये इसको मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा। द कंपनी रिमेन्स प्राइवेटली ओन्ड, हुसैन के 85% शेयर कैपिटल था, बाकी स्प्रेड अक्रॉस था बाकी मेम्बर्स में। अच्छा, उसके बाद एज वेल एज बींग द मार्केट लीडर इन पाकिस्तान, विजन एक्वायर्ड अ रेपुटेशन फॉर क्वालिटी ट्रेडिशनल एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स सच एज ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड साइट टेस्टिंग। ऑल द हेड ऑफिस इन लाहौर, 500 ऑप्टिकल शॉप अक्रॉस ऑल मेजर टाउन सिटीज। अभी 500 जो मेजर शॉप्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? ऑपरेट्स यानी कि है तो एज एट की बात हो रही है। अब दैट डिपेंड्स के उस सेक्टर की मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, इट कुड बी स्ट्रेंथ, ठीक है, और इट कुड बी, अगर तो उसकी वो बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है एंड क्या कहते हैं, सारी अगर रेंट पे हैं और उनका बिजनेस नहीं है, तो मेरे पे लाइबिलिटी एक तरह की, वो मेरा कैपिटल स्टैक है। बट देर नीड टू बी, आप इस तरह के साइन बना देंगे यार, देर नीड टू बी कन्फर्म्ड, इट कुड बी स्ट्रेंथ कुड बी वीकनेस, मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग। कोशिश ये करनी है कि यार आपका ना एक दफ़ा पढ़ने में आप अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस भी हो सकती है, इसको आगे कर जाकर कन्फर्म करते हैं। रेपुटेशन भी फास्ट पे थी, अभी वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है एज दैट मोमेंट, शायद आगे अगर तो आगे जाकर प्रूफ हो जाता है कि अभी भी मैं ज़बरदस्त मार्केट लीडर हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ होगी।
और जो बैक इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, स्टोरी की शक्ल में ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई इमेज इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही फिर आपको अजम्पशन में फिर बैक एंड में जाना पड़ेगा वहाँ से कोई अजम्पशन निकालने के लिए. इन लाहौर इट ऑपरेट्स ओवर 80 शॉप्स, सम ऑफ विच आर रेंटेड, हाउएवर फी आर ओन्ड आउटराइट एज अ रिजल्ट ऑफ जो हमने पहले हमने कंपनीज एक्वायर की थी उस चक्कर में हमारे पास आ गए. अनटिल लास्ट 5 years द कंपनी मैं उसको ज़्यादा ख़त्म करूँ जिस तरह समझाने के लिए इस तरह से हमने आगे उसको ना मार्क करते आएंगे. अनटिल लास्ट 5 years द कंपनी हैड एंजॉयड ग्रोथ इन बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट. मच ऑफ द ग्रोथ वॉज अंडरपिन्ड बाय जो उसकी एक एक्विजिटिव और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन थी. हालांकि हुसैन ने कभी भी तवज्जो अपनी कॉस्ट कंट्रोल और रेगुलेटेड बिजनेस से नहीं फेरी जिसने उसको इनेबल किया सच अ सक्सेस ऑफ हिज ओरिजिनल शॉप. व्हेन सेटिंग हिज फर्स्ट शॉप हुसैन का ख्याल था कि ये जो एबिलिटी है कि कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर करना इसने उसको इनेबल किया कि हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस वो दे सके और इवन अलॉन्ग फॉर एडिशनल कॉस्ट फिर भी हमें प्रॉफिटेबल था. हिज अर्ली सक्सेस का मतलब ये है कि ये अप्रोच कंपनी के कल्चर का पार्ट बन गई और बड़ा ही मोहतात था टू एम्बेड दीज वैल्यूज़ इन कंपनी जो वो आगे एक्वायर करता चला गया कि ये कल्चर उनमें भी इनकलकेट कर जाए. अ डिज़ायर टू स्पेंड मोर टाइम परसुइंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट नेमली प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट. Executive control was handed on to Hussain's only child, Malik, in 2016 और उसने अपना 8 साल पहले इंग्लैंड से अपना MBA कम्प्लीट किया और उसको शुरू में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि लाहौर की बट स्टिल चूँकि वो बड़ा ज़बरदस्त मेरिट पर था और मेरिट ये था कि चूँकि वो उसका बेटा था तो उसको प्रमोट कर दिया गया हेड ऑफ होल्ड पंजाब रीजन और मलिक साहब के जाने के बाद वो कंपनी का CEO बन गया. कहते हैं अनफॉर्चुनेटली मलिक टाइम इन चार्ज डिड नॉट गो वेल और ये बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई और अया हो गई कि जो पहले तक जो थोड़ी बहुत सक्सेस इसके बेटे के शुरू वाले दौर में आई वो भी पिछली जो वाइज स्ट्रेटजी चल रही थी और जो इकॉनमी ग्रो कर रही थी ये उसी का उसी की रीज़न वही रीज़न थी ना कि एंड डिसीजन दैट मलिक साहब ने जो अपने से लिया उसको फ़ायदा था और थोड़े टाइम में ही कंपनी की फॉर्चून बिगिन टू डिक्लाइन जो कि बड़ा एक शॉक लगा कंसिडरिंग के जो इतना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल सक्सेस चली आ रही थी. हुसैन डिटर्मिन था कि यार कि नहीं यार थोड़ा टाइम दे और इसका टाइम वापस आएगा और ये क्या कहते हैं इसको कोई रिसोर्स भी दिए जाएँ ताकि ये अपना रोल निभा सके. बीच इवन उसने 3 days a week आना भी शुरू कर दिया कि जो इसको सपोर्ट करे बट एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज़ फर्दर एक साल के बाद भी वो कुछ ना कर सका और फिर मलिक को एहसास हो ही गया कि भाई ये इसके अंदर वो जरासीम ही नहीं है कि कंपनी को आगे लेके बढ़ सके. सो उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ा और ख़ुद उसने इंटरिम कैपेसिटी में उस रोल को ले लिया. बहुत परेशान हुआ जब उसने देखा कि यार कि कुछ अरसा मैं मार्केट से बाहर रहा और वापस आया तो मार्केट कितनी चेंज हो चुकी है, नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो चुकी हैं, बैरियर टू एंट्री लो हो चुके हैं और जो पहले इंटरेंट्स के लिए इतना बड़ा मसला था कोई खास मसला रहा नहीं है और सेल्स चैनल चेंज हो चुके हैं, इंटरनेट एज अ सेल्स चैनल यूज़ हो रहा है जिसका तो उसको बिल्कुल ही नहीं पता था. तो उसने कहा कि भाई अब टाइम आ गया कि हम कोई नया जो है वो CEO लेके आएँ और ऐसा CEO लेके आएँ जो कि हमेशा ज़िंदा रहे. तो इसलिए उन्होंने अदीबा भुट्टो साहब का इंतखाब किया और उनको डायरेक्टली जो उनका राइवल था स्पेक फॉर लेस वहाँ से तोड़ा. अब जो इस किस्म की कंपनीज में जब आप राइवल में हो और सीनियर पोजीशन में हो तो नॉर्मली जब आप किसी राइवल को ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर सकते अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर आपको 6 महीने बैठना पड़ता है. मैं सैलरी में दूंगा लेकिन आप जाएंगे नहीं ताकि क्योंकि जहाँ की चीज़ उधर जाकर अप्लाई कर दें. तो ठीक है उसको गार्डन लीव मिल गई, पेड लीव थी ड्यूरिंग विच ही वॉज फॉरबिडन टू वर्क फ्रॉम विजन पार्क. तो जब उसने ज्वाइन किया तो उसको जाहिर सी बात है 6 महीने गुजर चुके थे बट स्टिल उसके जहन में वो बातें थी कि पिछली कंपनी ने कैसे ग्रो किया और किस तरह से हमने इस कंपनी का शेयर तोड़ा जिसमें मैं आज CEO आई हूँ.
और जो की अगर देखी जाए जो क्या चीज़ थी, वो ग्रोथ स्ट्रेटजी थी जिसमें उसने पार्टनरशिप बिल्ड की विद हाई स्ट्रीट शॉपिंग ग्रुप। अब ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती कि नहीं हो सकती, तो उसको अंडरलाइन कर लूँ। तो ये बेसिकली आपने हर क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट के लेंस से गुजारना है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। हमको सवाल अटैम्प्ट तो खैर करने तो आगे बहुत सारे होंगे, दैट इज़ अप्रोच कि आर्ट ऑफ रीडिंग में मुझे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियरली पता हूँ और हर लाइन को मैं उस लेंस से गुजारूँ जो फ्रंट एंड पार्क करूँ, जो बैक एंड उसकी स्टोरी बनाऊँ पीछे चलते, दिस इज अप्रोच। तो अब जो और जो चीज़ें टू बी कन्फर्म्ड है, सर टू बी कन्फर्म नहीं है, हो सकता है, इसको अंडरलाइन कर दूँ क्या, इट कुड बी माई, और आगे लिख दो ओ इट कुड बी माई अपॉर्चुनिटी, ठीक आगे आ जाए। एंड नेशनल चेन ऑफ डिपार्टमेंट्स, इस दिस पार्टनर्स ने क्या किया कि ये बजाय उन्होंने पूरी पूरी नई दुकानें लेने के और पूरे स्टोर खड़े करने के लिए, ये शॉपिंग मॉल जहाँ पे ऑलरेडी फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है वहीं पर इन्होंने मिनी लैब इंस्टॉल कर ली। और लैब चूँकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी इसलिए उनको इतना जगह नहीं चाहिए होती जितनी इनको चाहिए, और वो करते क्या थे कि और जो टर्न अराउंड टाइम था वो भी इनको बहुत कम था, और वो क्या करते थे कि विद इन आवर दे कैन डिस्पेंस कॉमन प्रिस्क्रिप्शंस, कि लोग आए हुए हैं, मैं जैसे अलफतेह गया हूँ, मैंने चेक करवाया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, वापस आया तो मेरी लेंस तैयार है, तो मुझे विजिबिलिटी भी उनको मिल रही है, लोग जो हैं उनको उनके लिए एक आजकल ज़माने को टाइम ही नहीं उनके पास कि जाएँ शॉप पर और दो दिन बाद अगले दिन वापस जाएँ, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, छोटी जगह पर बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर ली, तो ये एक मॉडल था जो इनोवेटिव लेके और लोग जो हैं वो, सो दिस इज वॉज समथिंग विच डिड इट एंड इट कुड बी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, तो दिस इज ऑल्सो कंसर्न फॉर अस। वाइल अदीबा नॉलेज वॉज ओनली स्लाइटली आउट ऑफ डेट, शी वॉज सर्टन के वुड बी लुकिंग फॉर टू फोर्ज पार्टनरशिप विद अ वेल नोन फैशन डिज़ाइनर, और आगे कोई फैशन डिज़ाइनर को भी ऑन बोर्ड करने जा रहे थे डिज़ाइन फ्रेम सन ग्लासेस, और ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम भी इस कुछ ना कुछ तो किया होगा उसने। बट मैंने रीजेंट कमेंट्री करनी है मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। वैन शी स्टार्टेड अ न्यू रोल अदीबा एस्टैब्लिश्ड द नीड फॉर इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज अ प्रायोरिटी बिकॉज डिस्पाइट कैश एट कैश इक्विवेलेंट स्टैंडिंग एट 26 मिलियन द कंपनी रिजल्ट हैड कंटिन्यू टू डिटेरियरेट सिंस हर अपॉइंटमेंट वॉज फर्स्ट मेड 6 मंथ अगो। तो कहने का मतलब है कि डिस्पाइट से मुराद क्या है, उसका मतलब है कि इसका इसमें मैसेज क्या है, कह रहा कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है हमारे पास, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है वीकनेस है, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व कौन है स्ट्रेंथ है। लेकिन ये तो हो गया वट, ये क्यों हमारी स्ट्रेंथ है, ये मुझे अभी चाहिए इस सिनेरियो में से, कह रहा कि मैंने स्ट्रेंथ क्यों है मेरी, कि मैं तो मेरी स्ट्रेंथ क्यों है कि मैं जितनी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कम से कम मेरे पैसे मौजूद हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ माई स्ट्रेंथ ना, तो वट भी और वाई भी। टू ऑफ द फर्स्ट थिंग्स अदीबा डिड वर टू कमीशन रिपोर्ट्स ऑन द इंटरनल प्रोसेसेस एंड रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनमें जो कि एग्जैक्ट वन और टू में, अगर वन और टू में हम आए तो जो हमें प्रोसेस में रिपोर्ट मिली, पहला क्या है कि मार्केटिंग अप्रोच क्या है, लेट द प्रोडक्ट एंड लेवल ऑफ पर्सनलाइज्ड कस्टमर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि पुश अप्रोच है ना मार्केटिंग की, और पूरी इंटरनेट बेस्ड क्या पुल अप्रोच है कि खुद आपको रीच आउट करते हैं, आपको आके जो है मैसेज आ रहे हैं, यूज़ कर रहे हो तो आपको एड्स आ रही हैं, और इनकी अप्रोच क्या है, लेट द प्रोडक्ट एंड पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस स्पीक फॉर इट्स, वर्ड ऑफ माउथ भी लोग आएंगे, उनको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जाके हर एक को बताएंगे, दैट वॉज फाइन जब उस ज़माने में। अब जो है मार्केटिंग अप्रोच दैट नीड टू बी चेंज, तो एक तो ये इनकी वीकनेस है, इनकी मार्केटिंग अप्रोच बहुत वीक है, पुश स्ट्रेटजी पे है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली हाई, अब ये क्या है, ये वीकनेस है, ये क्या है, प्रोडक्शन हाई होना इज नॉट अ वीकनेस, वीकनेस इज हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेट होना, ये उसका इफेक्ट है, ये वाई है क्यों हमारी वीकनेस है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो रही है। सेल्स टारगेट्स आर सेट सेंट्रली एंड शॉप रिपोर्ट मंथली, साइड प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज एंड फिक्स कॉस्ट आर हाई इन शॉपिंग सेंटर्स। अब जो ऊपर वाले 500 थे हमारे पास, वो हमारी स्ट्रेंथ है वीकनेस है। तो वो 500 शॉप्स कौन, हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मॉडल चेंज हो रहा है, लोग पार्टनरशिप्स में जा रहे हैं, जगह इतनी नहीं ले रहे, और मैं इतनी बड़ी फिक्स कॉस्ट कैरी कर रहा हूँ, तो वो 500 शॉप्स जो हैं वो कन्फर्म हो गए मीज माई वीकनेस। वो वट था, ये वाई है, वो वट था ये, तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो मेरा ये एक नंबर मेरा पूरा हो गया।
इंडिविजुअल शॉप एक्सरसाइज नो कंट्रोल ओवर जॉब रोल वर्किंग कंडीशन पे रेट्स, ये सीधा सीधा आपका क्या है, वीकनेस है। इंडिविजुअल स्टाफ पे इज इंक्रीज एनुअली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड पे स्केल, कोई मोटिवेशन नहीं है। ऑल स्टाफ रिसीव अ स्मॉल वन ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन द ग्रुप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये एचआर के इनको सीरियसली इनके चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। एक्सट्रैक्ट में अगर हम जाएँ तो आप देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा थोड़ा डिटेरियट हो रहा है, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है लेकिन मे बी जिस हिसाब से मार्केट बढ़ी उस हिसाब से हमारा शायद रेवेन्यू की ग्रोथ की परसेंटेज, यानी कि जिस तरह जो 5 से 6 मेरी ग्रोथ थी, 6 साल मेरी वो ग्रोथ नहीं है। और मेरा जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो डिस्पाइट कि रेवेन्यू ग्रोथ है, मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कम हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि मेरी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है और प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी हाई है। अब ऊपर अब आपका एक लॉजिकल आर्गूमेंट कैसे बनेगा, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, वाई में आप लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई, और उसी ऑगमेंट को बेहतर करने के लिए फाइनेंशियल नंबर देखेंगे। देखें डिस्पाइट इंक्रीज इन द शेयर फाइनेंशियल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके रिड्यूस हो रही है, तो आपका ऑगमेंट और तगड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये है, दिस इज हाउ यू विल यहां तक बात क्लियर होगी। तो अब ये जो लिंक है ना, कहते हैं मेड लिंक बिटवीन स्ट्रेटजीज, और अगर नंबर ऐड कर देंगे तो उतना बेहतर हो जाएगा। अच्छा वापस चलते हैं, कहते हैं कंपनी डिड रिसीव सम गुड न्यूज दिस वीक व्हेन द कंट्रीज T20 क्रिकेट कैप्टन रिसेंटली रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, और उस टाइम उसने हमारी ही ग्लासेस लगाई हुई थी, जिससे अगर चलो एक्सीडेंटली एक बड़ा एक वेलकम और गुड पब्लिसिटी होगी। तो ये हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। और ऊपर वो जिक्र भी कर चुका है कि हमारा राइवल भी इस किस्म की पार्टनरशिप्स में जाना चाह रहा था, तो इट कुड बी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम इस तरह की अलायंसेज भी फर्दर बिल्ड करें। हाउएवर सेट अगेंस्ट सम फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हैव स्पेकुलेटेड दैट द कंपनी इकोनॉमी में सी अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द ग्रोथ इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। ये क्या हमारा थ्रेट, और थ्रेट क्यों है, इसे क्या होगा अगर ये कम होगा तो, Why is our threat? हाँ जी, रेवेन्यू से अब वही बात है ना, अब ये बात आपकी ठीक है, रेवेन्यू डिक्रीज, क्योंकि रेवेन्यू डिक्रीज होना इज इफेक्ट। आपने हमेशा जो है ना पॉइंट पे कॉज हिट करने, एंड कॉज क्या, मार्केट शेयर आपका डिक्लाइन होगा। मार्केट पूरी गिरेगी तो आपका मार्केट शेयर आपका भी गिरेगा, मार्केट गिरे शेयर गिरेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी आपका कम ही होगा। सो ये भी एक तरह की सीख है कि क्या क्या आपने जब कमेंट्री करनी है तो इशूज़ यानी कॉज पर बात करें, इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली नीचे उसके कवर हो जाएंगे। दो स्पेंडिंग अमाउंग जो 18 से 30 वाला ग्रुप है इसमें ग्रो करेगी, तो ये भी हमारी क्या है अपॉर्चुनिटी की इस सेगमेंट को टारगेट करें। तो अब वो स्पोर्ट्स ये चीज़ें ये इकट्ठी भी आप क्लब भी कर सकते हैं कि आप एक आप ऐसे ब्रांड एम्बेसडर को हायर करें जो कि इस एज ग्रुप के लिए इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो। सो अब आपने जब आपने सारी चीज़ें कर ली, अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब आपने चॉक आउट करना है प्लान किया आपके पास है क्या, व्हाट इज़ इन योर हैंड, और फिर आपने बगैर प्लानिंग के लिखना नहीं शुरू कर देना, बगैर प्लानिंग के लिखना शुरू नहीं कर देना। आपने जो है उसको तरीके से लेके चलना है कि देखिए आपके अब मेरे पास स्ट्रेंथ 2-3 हैं, लेकिन मैंने कौन सी लिखनी है, कौन सी टॉप की स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, फिर कल को इसकी चैलेंजेस कौन से होंगे। ये ना हो कि आपको आप आगे चैलेंजेस में एक चीज़ को ले जाएँ उसकी आपने स्ट्रेंथ ही लिखी हुई और फिर रिकमेंडेशन कर देने, तो इस शुड बी वेरी क्लोजली इंटरलिंक। तो पहले बैठ के एक प्लान बनाएं कि यार मैंने किस स्ट्रेंथ को लेकर जाना है, किन वीकनेस को लेकर जाना है, किन अपॉर्चुनिटी को, मेरी ब्रेथ कवर हो जाए, फिर इनमें से कौन से 3 टॉप चैलेंजेस मैंने आइडेंटिफाई करने हैं, और मैंने फिर कल को क्या, अब आप कल को आप स्ट्रेटजी बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व को यूज़ करें और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। आप स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व लिख नहीं रहे, आप लिख रहे हैं कि न्यू CEO इज़ आवर स्ट्रेंथ विच इज़ फाइन, लेकिन वो रिकमेंडेशन स्ट्रेंथ से लिंक नहीं कर रही, ठीक है।
हाँ, अगर आपने ये रिकमेंडेशन देनी है नीचे कि जो न्यू CEO है उसके लिए जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजी है कि वो जो है वो उन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रिकमेंडेशन दिए और वो जो और जो राइविंग कंपनीज राइवल कंपनीज की जो नॉलेज है उसको लेवरेज करते हुए जो है वो न्यू इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करे, तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ में न्यू CEO का जिक्र तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर आप कहते हैं यार कि नहीं मैंने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है, तो आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको अब दो तीन स्ट्रेंथ हो गई बट आपको चार लिखनी है, आप क्या करेंगे? कुछ तो गिवन है, फिर आप बैकेंड से फेच करेंगे। अगर आपको गिवन नहीं है तो फिर आप बोलेंगे यार कि यार फिर कुछ अजम्पशंस आपको लेनी पड़ेंगी कि यार कि चलो यार एक टाइम में मार्केट का लीडर था, अभी नहीं है बट इसकी रेपुटेशन तो अच्छी होगी ना, कोई रेपुटेशन तो कहीं इफेक्ट नहीं होगी, कहीं सवाल में ऐसा मैंशन नहीं, हाँ उसने मार्केट शेयर लूज़ की लेकिन रेपुटेशन है, अजम्पशन जिक्र नहीं है बट यू कैन टेक दिस जिक्र कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन आज भी मार्केट में शायद मौजूद है जिसको वह लेवरेज। तो अगर तो दो स्ट्रेंथ लिखनी है तो मैं शुरू करूँगा कैश रिजर्व से, उनका जिसको मैंने आगे यूज़ करना है उनको प्रायोरिटाइज करूँगा, बट अगर क्वेश्चन के मार्क्स ऐसे हैं कि मुझे तीसरी स्ट्रेंथ भी लिखनी है तो फिर मैं अजम्पशन ही करूँगा। तो कहने का मकसद क्या, दिस शुड बी माय अप्रोच। अब स्वॉर्ड में मैंने कम से कम दो थ्रेड्स लिखनी है, अब थ्रेड मुझे सिर्फ एक ही मिली है, कौन सी? इकोनॉमी गिर रही है, दूसरा थ्रेड क्या लिखूँगा मैं? दूसरी थ्रेड मुझे लेके आनी है अजम्पशन से, अदरवाइज मेरी जो है वो एक्टिविटी काफ़ी कम होगी। तो आप जो है तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट। अब वीकनेस बहुत ज़्यादा है मेरे पास, प्रोसेस भी आउटडेटेड है, मार्केटिंग भी मेरी फारिग है, टेक्नोलॉजी भी मेरी फारिग है, फिक्स कॉस्ट भी मेरी हाई है, मेरी कोई टीम SOPs भी डिफाइंड नहीं है, मेरा पे स्ट्रक्चर भी डिफाइंड नहीं है, मेरा बोनस स्ट्रक्चर भी आउट है। अब कितनी ज़्यादा हैं अब, लेकिन यहाँ पे आपने ये आपका स्किल टेस्ट कर रहा है कि आप किन टॉप तीन को लेके जाते हैं जो कि आगे चैलेंजेस और रिकमेंडेशन में भी रिफ्लेक्ट। तो इट्स नॉट अबाउट, इट्स मोर अबाउट कि कहीं जान के इन्फॉर्मेशन आपको कम देगा क्या, जहाँ पर एग्जामिनेशन लेने आपको लेनी पड़े ताकि आप आंसर को बैलेंस कैसे करते हैं। उसने आपको शॉर्ट टेस्ट नहीं करना, शॉर्ट आपने BFD में कर लिया हुआ है, इस बात को समझें। उसने आपकी अप्रोच देखनी कि आप लिखते कैसे हैं, हेडिंग कैसे है, वर्ड कैसे है, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। इट्स मोर अबाउट असेसिंग योर स्किल्स। कम टाइम के अंदर आप अब जो स्मार्ट अप्रोच क्या है, आप स्मार्ट लिखें है कि कॉर्पोरेट प्रोजल ज़रा लिंक करें कि ये वो इंटरनल जो एक्सटर्नल को दोनों काउंट फर्क करता है वो स्मार्ट है। पहले नहीं ना भी स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ के अंदर आपने क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो आप लिखें, आप हेडिंग ऐसे लिखें जो कि आपको वर्ड कवर कर ले। जैसे कि आप लिखें कि कंपनी हैव अ स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व ऑफ 276 मिलियन, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ भाई। आप सिंपल लिखें, हेडिंग लिखें स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व, और नीचे एक्सप्लेन जब करें तो दोबारा ना लिखें कि कंपनी है स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व, भाई ऊपर लिख तो दिए स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व, नीचे सिर्फ वाई लिखें, दिस अमाउंट कुड बी यूटिलाइज्ड टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, बस दैट्स शॉर्ट। पूरी तमीज बांधने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये आपका स्किल टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप किस पॉइंट को वेटेज दे रही हैं, किसको इग्नोर कर रही हैं, चीज़ों को लिंक कैसे कर रही हैं, कितने शॉर्ट वर्ड में अपने मफहूम को एक्सप्लेन कर रही हैं, और लॉजिकली आंसर को कैसे कंक्लूड कर रही हैं। प्रोफेशनल एनालिसिस एंड रीजनड कंक्लूजन, जिस स्ट्रेटेजी तक आप पहुँची हैं वो रीजन है कि नहीं है, और टाइम के अंदर पहुँची कि नहीं पहुँची, दैट इज नीड टू बी डन। और एक थ्रेड है, एक आप खुद से आप लिखेंगी, आप लिख सकते हैं देखिए ना आप, लेकिन थ्रेड जो अजम्पशन आप लेनी है हवा में लेनी, आपने गिवन लेनी है। आप बोलेंगे यार इकोनॉमी डिक्लाइन जा रही है, 18 से 30 वाला सेगमेंट ग्रो करेगा, लेकिन इसके अलावा भी मेरे बाकी सेगमेंट्स हैं उस पर इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे देखें कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फर्दर थ्रेट है। अब उसने लिखा कहीं नहीं है कि आप ना करें, आप अजम्पशन ले लें, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते तो थ्रेट है कि मुझे फर्दर फ्यूचर में फर्दर भी नुकसान पहुँचा सकता है वो, ठीक। सो आप थ्रेट वो फैक्टर है जो कि इसलिए भी आपको फैक्ट्री के फ्यूचर में आ रहा है आपका, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी मार्केटिंग अप्रोच है अगर आप उसको अलाइन नहीं करेंगे तो कुड भी क्या है कि आपको जो है आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होंगी, आप प्रोफेशनल मार्केट शेयर फर्दर आप लूज़ करना शुरू कर देंगे, बट यू हैव टू टेक सम अजम्पशन टू बैलेंस दैट आउट। लेकिन आप कौन सी अजम्पशन आप लें,
वो लिंक जो क्या पूरे सिनेरियो से कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हो और उसको ऑगमेंट कर रही होगी इसके अंदर आके बैटरी। अच्छा, अगला चीज़ बड़ा जरूरी है कि डिस्कस द की चैलेंजेस। जब आपने पूरे सॉर्ट कर लिया, ये कर लिया, अब आपसे की स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस मांग रहे हैं, अब उसका यहाँ पर वो आपका स्किल टेस्ट करेगा, कह रही किन तीन चैलेंजेस को उठाता है। अब स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस कौन से होते हैं जो आपको स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को, तो एक चीज़ आपकी सेल्स, कस्टमर, ऑपरेशनल, यानी कि एक पॉइंट आपको ऑपरेशन से पिक करना चाहिए जो आपके वैल्यू चेन को बेहतर करे, एक आपका जो है कस्टमर के एक्विजिशन पे, एक कस्टमर एक्सपीरियंस पे, तो आपको वो चीज़ें पिक करनी है, या आप इंटरनली इम्प्लॉयज़ को फोकस करें। लेकिन आप उल्टी आए कि अरे मैंने कंपनी को टर्न अराउंड करना है, तो क्या रिकमेंडेशन मेरे जहन में, मुझे मार्केटिंग बेहतर करनी है, मुझे टेक्नोलॉजी, पैसे तो आपके पास हैं, और मुझे इंटरनल प्रोसेस स्ट्रक्चर अलाइन करने हैं। अगर मैं अपनी मार्केटिंग बेहतर कर लेता हूँ, मैं अपने मशीन्स टेक्नोलॉजी बेहतर कर लेता हूँ और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी कस्टमर वैल्यू निकल आएगी। सो इट्स, और इस सारे को टाइम 25 मिनट मल्टीप्लाई टू 50 मिनट के अंदर ही आपने सारे काम भी आपने करने। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू टैकल दिस केस स्टडी। क्या आपने पहले पढ़ना है, पहले पढ़ने में फ्रंट एंड बैक एंड, फिर उसके बाद चॉकआउट करना प्लान, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बजाय इसके कि आप पूरा लिखना शुरू करें, आप सोचें यार कि मैं कैसी हेडिंग लिखूं, कम से कम अल्फाज में मैक्सिमम अपना। अब टेक्नोलॉजी मैंने कहाँ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करनी है, किस तरह ऑगुमेंट को बेहतर करना है, अपने ऑगुमेंट में कैसे जान डालनी है, वर्ड के कहाँ वर्ड को रखना है, कहाँ वाई को रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क। ये क्वेश्चन देख लें, जून 18 के क्वेश्चन है और ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कहते फॉर द टू ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज डिटरमिन NPV इन पाकिस्तान रुपीज एट वन जन। अब आप लेकिन प्रॉब्लम क्या कि पांच नंबर हैं, आपने पांच नंबर मतलब 10 मिनट के अंदर दोनों की NPV कैलकुलेट करने की, कॉम्प्लेक्स नहीं कैलकुलेशन, वेरी इजी, वो BFD वाली है, बट 10 मिनट के अंदर करना है चैलेंज। फिर कहते इवेल्युएट and explain the risk of exchange rate fluctuations including calculation of sensitivity of the NPV to the future exchange rate, aur phir kehte hai with reference to the product and services offers evaluate the benefit and risk associated with each strategy and recommend the preferred strategy to adopt, financial bhi forex bhi strategy bhi, phir kehte hai compare the two proposed debt finance method strategy one and give a recommendation on which method to use, डिस्कस द इनकम टैक्स एप्लीकेशन इफ ऑफ फॉर स्ट्रेटजी टू, फिर आगे सायरा इज कंसर्न अबाउट सम एथिकल इशूज, शी इज पास टू एन ई मेल फ्राम फरुख दावर, कोलेबोरेशन हो रही है मलेशिया में, एज पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट एनी एथिकल इशूज राइजिंग फ्राम दिस प्रपोज कोलेबोरेशन हाउ दे शुड बी एड्रेस्ड। सो अगर आप देखें ये टिपिकल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको BM नज़र आ रहा है, BFD नज़र आ रही है, एथिक्स भी नज़र आ रहा है और टैक्स भी नज़र आ रहा है। और टैक्स आप देखें तो कहते हैं ये वही डिस्कशन है जो हम, तो अब इसमें अगर ओवरऑल देखें इट्स मोर लाइक अ टिपिकल एक पेपर है इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन टू में हम आए, एनालाइज द फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ द बोर्ड डिसीजन टू क्लोज द
हार्डवेयर डिवीजन इंक्लूडिंग की रेशोस, शट डाउन डिसीजन की रेशोस के हिसाब से, एक्सप्लेन द लाइकली इफेक्ट ऑफ रिस्क प्रोफाइल एंड इट्स शेयर प्राइस ऑफ ईच ऑर्डर यूज ऑफ नेट प्रोसीड फॉर द सेल ऑफ द हार्डवेयर डिवीजन। और कहता हैज ड्रॉन अटेंशन टू नोट्स आफ्टर इज अपॉइंटमेंट और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसने टच कर लिया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आई है, कहते आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी मेड अवेलेबल एट डिविजन मैनेजमेंट लेवल टू असिस्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। तो ये आपका जो ज़्यादा जो इसकी जो झुकाव है वो आपका बी एफ डी वाले पार्ट पे इसका। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी उसने पूछ लिया इसमें। अब आप इधर आए तो इधर फिर इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन आ रहा है एंड पे, कैश फ्लो के अतबार से फोरकास्ट बनवा रहा है, वैल्यूएशन में बात कर रहा है, और कह रहा है कि पॉसिबल अमाउंट ऑफ जेपीएल में कोड फॉर टेस्ला बिजनेस एक्विजिशन, फ्यूचर परफॉर्मेंस एग्जिबिट वन, आउटले, कैश फ्लो वैल्यूएशन। अच्छा, अब इसमें मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊँ, पहले ये था कि जरा क्वेश्चन आए, अब आपको ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला जो सवाल है ना, पहले ये कभी फॉल हो जाता था बी एफ डी वाले पार्ट पे और कभी फॉल हो जाता था ये बी एम वाले पार्ट पे। अब इन्होंने आगे पीछे लास्ट टाइम में डिसाइड कर लिया, कह रही है परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है दिस इज़ पार्ट ऑफ बी एफ डी। तो पहले जब तक 18 में ये बाइफरकेशन नहीं थी, तो इसी वजह से अगर आप देखें तो आपको आंसर जो है वो ये पेपर बी एफ डी ड्रिवन लग रहा होगा ज़्यादा, ठीक है, बट इट वॉज दैट वॉज हाउ इट वॉज मैनेज्ड। अब अगर पूरे पेपर को अब देखा जाए तो इसमें अब की क्या है, अगर आपके पास जो कैलकुलेशंस हैं बी एफ डी की वो आप अगर पूरी टॉप नॉच कर रहे हैं एंड टाइम रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं नंबर वन, और बी एफ डी में कोई ऐसी कैलकुलेशन में रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई उसकी कॉम्प्लेक्स लेवल इज़ वेरी मैनेजेबल, और उस पर बिल्ड करके आप एक कोई अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं थ्योरेटिकल, और क्वेश्चन नंबर वन एक आप अच्छा अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो देयर इज हाईली लाइकली यू कैन पास। सो आपकी अप्रोच जो कि यार कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल टॉप नॉच हो बी एफ डी पर बिल्ड करते हो, उसके ऊपर आपको कमेंट्री जो उसकी जो जो थ्रेटिकल पार्ट्स है बी एफ डी के बी एम के वो बहुत अच्छे कवर हो। तो अगर आपका बी एफ डी बहुत तगड़ा कवर है, टैक्स आपका अच्छा कवर है, बी एम जाहिर सी सब्जेक्टिव है, उसको तैयार करने में 43-40 नंबर में बहुत बड़ा कोर्स है उसका, सीधी बात। तो मैं सिर्फ एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन पेपर भी आप देखें तो अगर आपको बी एफ डी पर एक अच्छी कमांड है और उसकी थ्योरी आप समझते हैं और आप कमेंट्री कर लेते हैं और इसी अप्रोच में बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड उसकी कमेंट्री आ गई, कंक्लूजन आ गया, रिकमेंडेशन आ गई, डिस्कशन आ गई, थोड़ा सा एनालाइज कर लिया पेपर को, जो अभी आप आंसर थोड़ी कमेंट्री आपने साथ ऐड कर ली, के वी एड्स आपने लिख दिए, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन में से कुछ पॉइंट वहाँ से आ गए, उसको मर्ज करके एक व्यू दे रहे हैं आप, कंक्लूजन दे रहे हैं, यानी आपकी अप्रोच सेट है, उस पर आपको कमांड आपको आ गया, आपको कमांड अच्छा बी एफ डी पे आपको आ गया, एथिक्स कॉर्डर कॉपरेटिव गवर्नेंस को मैनेज कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपने बी एम में कवर कर लिए, तो आपके लिए जो है ना इस पेपर को मैनेज करना और आपने प्रैक्टिस अगर की हुई 3.5 घंटे के लिए, तो देर शुड नॉट बी एनी रीजन दैट यू शुड नॉट बी पासिंग दिस पेपर। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, बाकी मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप का, ऑल दो इस पर जो है वो कोई, लेकिन उस पर यह कि बजाय वॉइस नोट भेजने वो लिख के देने के ना एग्जैक्ट यो कि आपने वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, होता कि दफ़ा क्या है कि आप एक क्वेश्चन भेजते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है, कुछ आप और पूछ रहे होते हैं और समझा कुछ और रहे होते हैं, तो बेहतर है कि जो प्रॉब्लम हो उसका व्हाट्सएप पिक्चर कर, ये इस जगह पर एग्जैक्ट में मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है अगर आपने जान मारने के बाद, ताकि उसका उसी कॉन्टेक्स में आंसर दे रहा हूँ। जेनेरिक लोग क्या करते हैं, जेनेरिक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इफ़, अच्छा वहाँ पे कुछ सिनेरियो कुछ और था और मैं कुछ और कॉन्टेक्स में आंसर कर रहा हूँ, तो पिक्चर आ जाएगी तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इस केस स्टडी कॉन्सेप्ट में डिस्कशन ही हो रही है। तो दिस इज़ द नंबर, जिसको आप नोट कर लें, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है डिस्कशन है, और मैं ये बाकी ये जो इसका कंटेंट है वो किसे शेयर करना है ताकि आपसे शेयर हो जाए। बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो भी दे दूँ प्रेजेंटेशन
वर्ब्स और जो शीट है लिंकिंग की, वो तीनों चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ. Just finish on. If there's no other questions, then it's fine. Thank you so much. Dear students, today we have completed exam focus review session of MSA2 Management Professional Competence. There's no doubt Sir has delivered the course at utmost level. He has not only revised the syllabus but also made it simple to understand. It is evident that Sir has given his best in such short period of time. Please give him big round of applause. In the end, Sir, we have certificate and shield as token of appreciation for you. Please, Sir.